Namaskar. And a very, very warm welcome to all of you who have come to see this play today at Epicenter. Jaisa ki aap log jante hain ki aaj Khilona Theater for Children will be presenting the Hindi adaptation of Charles Dickens' famous novel called The Hard Times. Halanki hamare is novel ka naam hai Hard Times, but I'm very sure that this novel or this play will give you enough opportunities to have good times in your life. Not like Malya, but otherwise. Sir. क्या भाई वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम इतनी पुरानी कहानी लेकर नाटक क्यों कर रहे हैं क्यों हम कोई नई कहानी क्यों नहीं उठाते अरे भाई कहानी पुरानी हो या नहीं हो हर कहानी काल्पनिक होती है am I right yes पर सर काल्पनिक तो होती है लेकिन हर एक कहानी में कुछ ना कुछ जिंदगी की सच्चाई तो होती है भाई होती है नहीं होती तो हम लोग ये नाटक कर क्यों रहे होते देखो वैसे अगर ना भी होना तो इंसान के पास ये जो इमेजिनेशन नाम की चीज है ना इससे वो इमेजिन करके अपने काम की चीजें ढूंढ लेता है और ये लोग तो बहुत ही समझदार लोग हैं इनकी इमेजिनेशन बहुत ही तेज आई एम वेरी श्योर अबाउट इट सर इनकी इमेजिनेशन में थोड़ी डाउट कर रहा हूं मैं तो मेरी खुद की इमेजिनेशन काम नहीं कर रही क्या हुआ मैं तो ये पूछ रहा था अगर सच्चाई है तो ठीक है नहीं तो हम फिर कोई और कहानी लेकर नाटक करेंगे अभी है तभी तो हम लोग ये वाली कहानी कर रहे हैं ए भाई तो मुझे एक बात बताओ जब तुमने नॉवल पढ़ा तुम्हें क्या आज की सच्चाई नजर नहीं आई सर वो नॉवल पढ़ा नहीं अंग्रेजी में हाथ तंग है थोड़ा ये लो नॉवल ही नहीं पढ़ा तो तू रोल कैसे करेगा सर मैंने डायलॉग पूरे याद कर लिए याद है मुझे देखो ऐसे तो फिर एक काम करो प्लीज कहानी में टांग मत अड़ाओ कहानी मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने रोल पे कंसंट्रेट करो इज दैट ओके ठीक है सर हाँ अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा इस नॉवल के बारे में कि इस नॉवल में जिस शहर की कहानी है वो पूरा का पूरा शहर भी काल्पनिक है और उसका नाम है कोक टाउन अरे सर कोक बड़ी पसंद है मुझे अरे ये वो वाली कोक नहीं है कोक टाउन बोले तो वो कोयला जिससे धुआं निकलता जलता है सर बहुत पोल्यूशन करता है हाँ वो तो क्या करता है लेकिन अब क्या कर सकते हैं ऐसे ही चल रहा है आजकल हाँ तो मैं कह रहा था कि क्योंकि नॉवल में जो शहर है वो काल्पनिक है तो जाहिर है उसकी कहानी भी कुछ तो काल्पनिक होगी तो फिर एक काम करते हैं हम सब मिल करके कल्पना के घोड़े पर सवार हो जाते हैं और इस काल्पनिक शहर के एक सैर करके आते हैं और यहाँ के पात्रों से मिलते हैं यहाँ की जिंदगी को देखते हैं और अपना नाटक शुरू करते हैं ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है सर ठीक है फिर म्यूजिक प्लीज कमाल की कहानी ये है तो बड़ी पुरानी जी कमाल की कहानी ये है तो बड़ी पुरानी जी पर गौर से जो देखेंगे तो साफ नजर आएगी सच्चाई इसमें आज की सच्चाई इसमें आज की छू न जाए जाओ अगर आपको ये आज भी तो जो चाहे सो कहना जी तो जो चाहे सो कहना जी कमाल की कहानी ये है तो बड़ी पुरानी जी कमाल की कहानी ये है तो बड़ी पुरानी जी तो चार्ल्स डिकेंस की तरह हम भी क्यों ना करें कल्पना कोक टाउन जैसे एक शहर की कोक टाउन जैसे एक शहर की रोज जहाँ के आसमान में सांप सा बिल खाता घूमे धुआं काला हर मौसम में धुआं काला हर मौसम में जहाँ की नदी के निर्मल पानी का भी हो चुका है बैंगनी कमाल की कहानी ये है तो बड़ी पुरानी जी कमाल की कहानी ये है तो बड़ी पुरानी जी युग मशीनी कारखानों का जमाना यूं समझो कि आ चुका है मटीरियलिज्म पैर अपने अच्छी तरह जमा चुका है हर व्यापारी नेता को ये खेल समझ में आ चुका है हर व्यापारी नेता को ये खेल समझ में आ चुका है आए हो इस दुनिया में तो काम करो कुछ ऐसा हाथों हाथ माल बिके अच्छे खासे दाम मिले ताकि और ज्यादा हो मुनाफा इमोशन इमेजिनेशन या कंपैशन से कभी पे किसी का भरता है क्या इनके बदले डॉलर या फिर पाउंड किसी को मिलता है क्या इसीलिए तो नजर में इनकी करना और सहानुभूति या किसी से हमदर्दी चीजें हैं बेकार की चीजें हैं बेकार की चीजें हैं बेकार की कमाल की कहानी ये है तो बड़ी पुरानी जी कमाल की कहानी ये है तो बड़ी पुरानी जी पर गौर से जो देखेंगे तो साफ नजर आएगी सच्चाई और कुछ भी नहीं यस सर फैक्ट 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 फैक्ट
जिंदगी में सिर्फ फैक्ट की जरूरत होती है, इसे सिर्फ फैक्ट के बीच बो और बाकी सब कुछ उखाड़ के फेंक दो। मैं अपने बच्चों को भी इसी सिद्धांत में पाल रहा हूँ, विचारशील प्राणियों का दिमाग सिर्फ फैक्ट से ही बनने चाहिए और कोई भी चीज इनके कभी काम नहीं आएगी। सिर्फ फैक्ट सर, सिर्फ फैक्ट। यस सर। ये लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। न्यू एडमिशन सर। नाम बताओ अपना। सिस्सी जूप सर। सिस्सी कोई नाम नहीं होता, पूरा नाम बोलो। सिस्सी नहीं, सिसिलिया जूप है। पापा तो मुझे सिस्सी बुलाते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सिसिलिया जूप, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? वो सर्कस में घोड़ों पर कतर दिखाते हैं सर। सर्कस वाली बात यहाँ पे मत करो। तुम्हारे पापा बीमार घोड़ों की देखभाल करते होंगे, है ना? तब ठीक है, वो डॉक्टर हुए जो घोड़ों को ट्रेन भी करते हैं। चलो घोड़े की डेफिनेशन बताओ। घोड़ा सिसिलिया जो घोड़े की डेफिनेशन बताओ। सिसिलिया जो घोड़े को डिफाइन नहीं कर पा रही है क्योंकि वो घोड़ा नाम के एक साधारण से जानवर के बारे में कोई फैक्ट नहीं जानती। कोई और बताएगा? बैठ जाओ तुम। क्वाड्रुपिड ग्रामिनी वोरस 40 टीथ नेमली 24 ग्राइंडर्स 4 आईटी 12 इंसिसिव शेड्स कोट इन स्प्रिंग इन मार्शी कंट्रीज शेड्स हूफ टू हूफ हार्ट रिक्वायरिंग टू बी शॉट विद आयरन एज इज नोन बाय मार्क्स इन माउथ। गुड, तो पता चला घोड़ा क्या होता है। चलो सब बताओ, क्या अपने कमरे की दीवारों पर घोड़े की तस्वीर लगाओगे? बिल्कुल नहीं। जब घोड़े दीवारों पर चढ़ते कहीं नजर नहीं आते तो आप उनकी तस्वीर दीवारों पर क्यों लगाएंगे? जो चीज असल में नहीं होती आप नहीं करेंगे। गुड टेस्ट वही है जो फैक्ट है। हाँ, अगर आपको डेकोरेशन करना होगा तो वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में करेंगे और वो भी सिर्फ प्राइमरी कलर्स में। चलो दूसरा सवाल, क्या अपने कमरे में फूलों वाला कारपेट बिछाएंगे? नो सर। इसलिए अजूब, आप अपने कमरे में फूलों वाला कारपेट बिछाना चाहती हैं? यस सर, मुझे ना फूल बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे वेट लगता है। ये लगना वगना कुछ नहीं होता, या तो कोई चीज है या नहीं है, और फैक्ट यही है कि फूल कारपेट पर नहीं उगते। रिमेम्बर ऑलवेज फैक्ट फैक्ट एंड फैक्ट फैक्ट फैक्ट। क्यों सर? सर आप तो कह रहे थे कि इस कहानी में आज की सच्चाई है। ये आपकी आज की सच्चाई? और ये साहब कौन है? अरे ये इस शहर के बहुत बड़े रईस हैं और आजकल इनका पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट बढ़ गया। और ये हैं इस स्कूल के मालिक मिस्टर ग्रैडग्राइंड। ग्रैडग्राइंड नाम भी क्या सही दिया ना डिकेंस साहब ने, ग्रैडग्राइंड। बच्चों के दिमाग को ग्राइंड करने वाले हैं ये। और ये इनके टीचर हैं स्कूल के, मिस्टर चोकम चाइल्ड। बच्चों के दिमाग में इन्फॉर्मेशन ठूस ठूस के चोक कर देते हैं। सर ऐसे टीचर्स की कल्पना मैं तो नहीं कर सकता भाई। कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या करें, ये नॉवल ही पूरा काल्पनिक है तो फिर कल्पना तो करनी पड़ेगी ना। और वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए आपका सीन खत्म हो गया, अगला सीन लगाइए। भाई देखो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता कि इस नाटक में जो आज के जमाने में किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह के टीचर्स होते हैं, किस तरह की एजुकेशन दी जाती है, लेकिन हाँ मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस नावल के बारे में। वो ये है कि डिकेंस ने इस नावल को तीन हिस्सों में लिखा है। फर्स्ट पार्ट इज सोइंग, बोले तो बीज बोना, और सेकंड पार्ट इज रीपिंग, यानी कि फसल काटना या फल की प्राप्ति, और थर्ड पार्ट इज गार्नरिंग, बोले तो संभालना, इकट्ठा करना या समेटना। अच्छा, अब देखो मिस्टर ग्रैडग्राइंड अपने बच्चों को ये जो इस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, आप यूं समझिए कि वो एक बीज बो रहे हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीज बो रहे हैं, और आगे चल करके इस पर कैसे पौधे निकलेंगे, इस पर कैसे फल लगेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा ना। हाँ सर, ये बात तो। फिलहाल हम लोग चलते हैं मिस्टर ग्रैडग्राइंड के घर। ठीक है सर, चलिए। और ये है मिस्टर ग्रैडग्राइंड के बहुत ही जिगरी दोस्त। अच्छा, और इनकी एक बड़ी खास बात है, ये अपने आप को तो नीचा दिखाकर अपनी ही महानता का बखान करते रहते हैं, लेकिन दूसरों को चने के झाड़ पर चढ़ाकर उनका बंडराधार करते रहते हैं। अच्छा, अभी देखना इस सीन में आप लोगों को इसी का एक नमूना देखने को मिलेगा। चलो चलिए। मैडम, आई एम जोसाया बाउंडरबी ऑफ कोक टाउन। आपको कौन नहीं जानता, आप इस शहर के सबसे रईस आदमी जो हैं। पर आज मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर हमेशा से नहीं था,
10 साल की उम्र तक तो मेरे पैरों में जूता भी नहीं होता था। मैं दिन किसी गड्ढे में गुजारता था और रात भैंसों के तबेले में, क्योंकि मेरी माँ मुझे बचपन में ही मेरी नानी के पास छोड़कर भाग गई। आपने मुझे पहले भी बताया था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी नानी से ज्यादा बुरी औरत इस दुनिया में कोई नहीं। कोई अगर दया करके मुझे एक जोड़ी जूता दे भी जाता था तो वो मुझसे छीन कर बाजार में जाकर बेच आती थी। बस उसके बाद मैं अपनी नानी को छोड़कर भाग गया, क्योंकि बचपन से अपने इरादों का बड़ा पक्का था। मैंने मेहनत की और आगे बढ़ा। मुझ जैसा आदमी 100 साल में सिर्फ एक बार आता है। लो आ गया। फिर से बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। हेलो बाउंडरबी। रैगन कैसे? क्या बात है, इन दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए? सर्कस में झांक रहे थे दोनों के दोनों, और मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है। सर्कस? मैं भी हैरान हूँ। शर्मानी चाहिए तुम दोनों को। मैं तुम्हें साइंस, फैक्ट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ट्रेन कर रहा हूँ, और तुम दोनों सर्कस जैसी वाहियात जगह पर झांक रहे थे। मैं ऊब चुकी हूँ इन सबसे पापा। सुन रही हैं आप? आज इन्होंने ये किया, किसी दिन पोएट्री पढ़ते हुए पकड़े जाएंगे। अरे रे रे, क्यों मेरे सर का दर्द बढ़ा रहे हो? जाकर अपनी किताबें क्यों नहीं पढ़ते? सर्कस को न पढ़ सकते हैं, न पढ़ा सकते हैं, और न ही अलमारी में रख सकते हैं। फिर तुम्हें सर्कस से क्या लेना देना? सच में तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर देखती क्या करते तुम लोग मेरे बिना। बाउंडरबी, आपने हमेशा मेरे बच्चों में बहुत इंटरेस्ट लिया है, स्पेशली लुइसा में। इसलिए मुझे आपको बताने में कोई शर्म नहीं कि इन दोनों को वहां देखकर मुझे कितना दुख हुआ। बाउंडरबी, कुछ कह रहे थे आप? मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि इनके दिमाग में ये घटिया ख्याल आया कहां से। खामखा की सोच से। मुझे इसी का डर था। अरे बेकार की इमेजिनेशन बहुत बुरी चीज है, खास तौर पर लुइसा जैसी लड़की के। अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत जल्दी वो अपनी मनमर्जी करने लगेगी। लेकिन ये इमेजिनेशन पैदा कहां से हो गई? कहीं इन्होंने कोई कहानी कोई किताब तो नहीं पढ़ ली? तुम्हारे स्कूल में एक लड़की पढ़ती है ना, वो सर्कस वाले की बेटी एक है, तो हो ना हो उसी लड़की ने इनके दिमाग में ऐसी फिजूल की बातें भरी है। तुम ठीक कहते हो। तो मेरी मानो, उस लड़की को फौरन निकाल बाहर करो। ऐसे ही करूंगा। अच्छा मैं उनके घर जानता हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? बिल्कुल, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस लड़की को एकदम से निकाल देना। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी फैसला लिया एकदम लिया। ठीक कहते हो तुम, मैं आता हूँ। हाँ लुइसा, देखो मैंने पापा से बात कर ली है, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना, समझे? लुइसा, इस बात पे पप्पी तो बनती है नहीं? जी मिस्टर बाउंडरबी। कितनी प्यारी हो तुम, मैं चलता हूँ, ठीक है? आ गए गए। चलो लुइसा, क्या रगड़ रगड़ के अपना गाल छीलोगी? तो अगर तुम चाकू लेकर मेरा ये गाल काट भी दोगे ना, तो अभी मैं उफ तक नहीं करूंगी। शराब होगी और क्या? नहीं सर, ये नौ जड़ी बूटियों का तेल है। क्या? वो क्या होता है? सर पापा को दर्द हो रहा था ना, उनके लिए लाई थी। हम सर्कस वालों को अक्सर चोट लगती रहती है। अच्छी बात है, उनके साथ यही होना चाहिए। खैर जाओ, तुम्हारे पापा को बुला के लाओ, उनसे मिलना है। अभी तो यही थे दिलखुश के साथ। दिलखुश? वो कौन है? वो हमारा कुत्ता है, मैं अभी उनको बुला के लाऊं। व्हाट इज दिस? नौ जड़ी बूटी का तेल, दिलखुश कुत्ता? तुम्हारी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है, वरना मैं यहाँ एक सेकंड मिला रुकूं। सर पापा तो अंदर भी नहीं है, शायद बाहर गए। एक सेकंड में कैसे आ जाएंगे? लॉजिक जानते तो ये सब करते। अरे कहाँ ले आए हो तुम मुझे? क्या हूँ, पूरा पूरा फंस गया हूँ। माफ कीजिएगा साहब, क्या आप ही लोग जुप से मिलने आए हैं? हाँ, लेकिन आप कौन? हम लोग जुप के साथ इसी सर्कस में काम करते हैं। अच्छा हाँ, उसकी बेटी उसे बुलाने गई है, लेकिन हमारे पास तो इतना वक्त है नहीं कि इंतजार करे। देखो हम लोग तुम्हारी तरह बेकार नहीं है, हमारा वक्त बहुत कीमती है। अच्छा तो आप ये कहना चाहते हैं कि कम वक्त में हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं? अरे कमाते हैं तो अपने लिए कमाते होंगे, हमें क्यों बता रहे हो? ये बताओ कि तुम यहाँ करने क्या आए हो? हमारी शक्ल देख ले, अगर ऐसा है तो बाहर जाओ, टिकट लेके आओ। शांत हो जाओ। सर मैं आपको बता रहा था कि शायद आपको पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से जूप की दाल गल नहीं रही थी। क्या मतलब? क्या मतलब? ये कि कई बार उसने दाव लगाया, हाँ। एक बार भी दही नहीं जमी। क्या मतलब? रायता फैल गया। अरे क्या हो रहा है ये सब? है दाल दही रायता? मतलब ये एक जो करता था कुछ दिनों से नहीं हो पा रहे थे। हाँ। क्यों नहीं हो पा रहे थे? अरे साहब अब उसकी उम्र हो गई है। हाँ। उसका शरीर उसका साथ नहीं देता, हड्डियां भी जवाब दे गई। अच्छा। अब वो करता तो क्या करता, इसीलिए भाग गया।
अपनी बेटी को छोड़कर? जी हाँ। सुनो, एक बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि उसको छोड़कर भाग गया। ए, इधरा, एक बात बता दो, सुनकर बड़ी हैरानी होगी। जानते हो मेरी माँ भी मुझे बचपन में छोड़कर भाग गई थी। भाई साहब, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। मैंने अपनी माँ को आज तक माफ नहीं किया। वैसे सीसी तो कभी विश्वास भी नहीं करेगी कि उसका बाप उसे छोड़कर चला गया है। क्यों विश्वास क्यों नहीं करेगी? क्योंकि साहब आज तक वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। जूप तो अपनी बेटी पर जान छिड़कता था। हाँ, बेचारी सीसी, उसके बाप ने उसे कोई ट्रेनिंग भी नहीं कराई। भगवान जाने वो क्या करेगी। ट्रेनिंग? मुझे मालूम नहीं था कि इन सब बकवास चीजों के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैंने तो 7 साल की उम्र से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। मैं तो पैदा होते ही ट्रेनिंग पे लग गया। लेकिन जूप ने अपनी बेटी को ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाई? क्योंकि साहब वो चाहता था कि उसकी बेटी पढ़े लिखे। हाँ। जब सीसी का एडमिशन इसी स्कूल में हुआ था, उसका बाप बहुत ही खुश था। हाँ, लेकिन हम तो उन्हें ये बताने के लिए आए थे, हम सिसिलिया जूप को अपने स्कूल में नहीं रख सकते। क्या? अरे साहब, तो बेचारी अब क्या करेगी? हमारा सर्कस भी यहाँ से दूसरे शहर जाने वाला है। आप जरा सोचने दीजिए। बाउंड्री भी जरा इधर आना। इतना थोड़ा क्यों मचा रखा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं बता रहा हूँ फंस जाओगे तुम। बाउंड्री भी सोचो, लुईसा को इससे कितना फायदा होगा। जिस सर्कस को वो देखना चाह रही थी, वही सर्कस के बच्चों की क्या हालत होती है वो जान पाएगी। आपका फेवरेट खिलाड़ी इस हरकत का मालिक था। आपने सुनी लिया होगा कि मेरे थरकत का जोकर अपनी बेटी को छोड़कर भाग गया। हाँ, सुना हमने अभी अभी। तो थर, आपने उसके बारे में कुछ थोचा? थोचा? सोच ही रहे हैं। थोचा? आप थोच रहे तो था अच्छा ही थोचेंगे। जी हाँ, हम जरूर थोचेंगे। माफ कीजिएगा था, मेरी आवाज बचपन से थोड़ी खराब है। अब क्या करे था, अब थरकत का माहौल है ही था, कभी ठंडा कभी गर्म, तो थर खराब हो गया। आप छोड़िए इस बात को, जब तक स्थिति आती है कुछ हो जाए। थिकंजी थरबत। नो नो, थैंक यू वेरी मच। अरे सिसी आ गई। सिसी आ गई। सिसी पापा तो आ भी नहीं है। पर अब थोच की बात है था, बेचारी थी पापा, मेरे प्यारे पापा आप कहां चले गए? लेकिन मैं जानती हूं वो जहां कहीं भी गए मेरी भलाई के लिए गए। लेकिन मैं उनके वो मेरे बगैर कैसे रहेंगे? उस लड़की को सच क्यों नहीं बता देते? अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ। ए लड़की, ए, क्या नाम है तेरा? देख, तेरा बाप तुझे छोड़ के भाग गया है। इस जन्म में उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दे। मैं आपको थापता बता रहा हूँ, आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं तो निकल जाइए। मेरे थरकत के लोग दिल के बड़े अच्छे हैं, लेकिन फुर्तीले भी बहुत हैं। हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ से बाहर निकले, उससे पहले आपको धक्के मार के बाहर निकाल दे। देखिए देखिए, ये आदमी क्या नाम है? जूप। फिलहाल तो वापस नहीं आएगा, ये आप भी मानते हैं ना? ये बात सही है। तो मेरा सुझाव है, मैं सिसिलिया जूप को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इसकी परवरिश करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जूप, तुम इस सर्कस के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखोगी। क्या? थिति, बेटा अगर तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। अहमद तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेगी और जोसेफिन तुम्हारी बहन की तरह रहेगी। हालांकि तुम्हारी ट्रेनिंग की उम्र निकल चुकी है, पर फिर भी हम तुम्हें कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे बेटा। कहता भी होगा, हम सब साथ मिलकर गुजारा कर ही लेंगे। लेकिन जो सोच लो, तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम पढ़ो। ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन मेरे पापा मुझे वापस आकर कैसे ढूंढेंगे? कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर स्लेरी उन्हें बता देंगे। मेरा सामान दे दीजिए, इससे पहले मेरा दिल टूट जाए। ये बोतल मुझे दे दो सिसी, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जब पापा वापस आएंगे उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओहो, बाउंडरबी, इस लड़की को बहुत सख्त ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस लड़की को अपने घर ले जाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे, इस लड़की के पास लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है। देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, थोड़ी दिक्कत होगी इसको पढ़ाने में, ठीक है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ठीक है, तुम्हारे जो जी में आए करो, लेकिन यहाँ से निकलो फौरन। सीसी, अपना ध्यान रखना। अलविदा। तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो चलो। गए थे लड़की को स्कूल से निकालने, अपने घर उठा के ले चले। हाँ। अब आप कहेंगे कि ये ग्रेट ग्रैंड ने कोई और बीज बोया होगा। बिल्कुल सही। भाई देखो, हम लोग जिंदगी में जब भी कोई फैसला लेते हैं, अहम फैसला, हाँ, तो यूं समझो कि हम लोग एक बीज बोते हैं। और ये जो चार्ल्स डिकेंस है ना, बहुत ही चालाक राइटर है। अच्छा। इसने जान बुझ करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि सर्कस के जोकर की एक बेटी जो इमोशन, इमेजिनेशन और कंपैशन के अलावा किसी चीज को जानती नहीं है, उसको लेके आ गया है ऐसे घर में जिसमें लॉजिक के अलावा इन सब चीजों की जगह ही नहीं है। है कि नहीं?
भी तो नहीं मिस लुईसा, अभी उंगली से कुछ कुछ तो कर रही थी, सनफ्लावर बना रही थी। पापा सही कहते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है मिस लुईसा, अगर मैं आपकी जैसी होती तो कितना अच्छा होता ना। अच्छा? हाँ, तो मुझे वो सब आता जो आपको आता है, उसका कोई फायदा नहीं होता, कोई नुकसान भी तो नहीं होता। पता नहीं, पर तुम खुशी खुशी मेरी मम्मी की कितनी सेवा करती हो और तुम खुद भी कितनी खुश रहती हो, मैं ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन मिस लुईसा, मैं बहुत स्टूपिड हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी ही हम दोनों की तरह समझदार हो जाओगी तुम। नहीं, आप नहीं जानती मैं कितनी बेवकूफ हूँ, स्कूल में हर वक्त गलतियाँ करती रहती हूँ। मिस्टर चोकम चाइल्ड कहते हैं कि अरे तुम दो गलतियाँ करने के लिए पैदा हुई हो। ऐसी कैसी गलतियाँ करती हो तुम? कल की ही बात ले लीजिए, मिस्टर चोकम चाइल्ड नेचुरल प्रॉस्पेरिटी पढ़ा रहे थे। नेचुरल नहीं, नेशनल। लेकिन फर्क क्या है? जैसा टीचर ने बताया वैसे ही बोलो। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक क्लासरूम में एक देश है और उसके पास 10 करोड़ की दौलत है, तो क्या ये अमीर देश कहलाएगा? मुझे नहीं पता ये देश अमीर है या नहीं, जब तक मुझे ये ना पता हो कि वो पैसा किसके पास है और उसमें से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं। ये तो गलत जवाब है। हाँ, अब तो मुझे पता चल गया। अच्छा एक और बात बताओ, मान लो एक क्लासरूम में एक शहर है और इसकी आबादी लगभग 1 लाख है और हर साल लगभग सिर्फ 25 लोग सड़क पर भूख से मर जाते हैं, इसका प्रोपोर्शन बताओ। तुमने क्या कहा? सर, प्रोपोर्शन चाहे जितना भी रहा, सड़क पे भूख से मरने वालों को तो बहुत तकलीफ हुई होगी। लेकिन ये जवाब भी गलत था। हाँ, बिल्कुल गलत। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मिस लुईसा, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ूं, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। स्टॉप इट टॉम। तो क्या करूं? उसको बुरा लगा टॉम। आई नो लुईसा, इस घर में तुम्हारे अलावा मुझे हर चीज से नफरत है। सिसी से भी? नहीं, लेकिन वो जरूर मुझसे नफरत करती है। ऐसा नहीं है टॉम। ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए, उसे इस घर में सबसे नफरत करनी चाहिए। हमने क्या हालत करके रख दी है उसकी, और मैं तो घर में पड़ा पड़ा गधा बन चुका हूँ। कभी कभी मन करता है कि गधे की तरह दुराती मारूं। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारे लिए गा नहीं सकती, बजा नहीं सकती, तुमसे अच्छी अच्छी बातें नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी कोई अच्छी किताब पढ़ी ही नहीं। तो मैंने ही कौन सा पढ़ी है? हम दोनों ना बहुत बदनसीब है टॉम। मन करता है कि सारे फैक्ट्स, फिगर्स और वो सब लोग जिन्होंने इनका पता लगाया, इनको इकट्ठा करके आग लगा दूं। देखना, जिस दिन बाउंडरबी के यहां जाऊंगा ना, उस दिन हर चीज का बदला लूंगा, वो सब करूंगा जो मैं यहाँ रहकर नहीं कर सकता। ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, वो पापा से कम नहीं है। अरे बाउंडरबी से तो मैं जो चाहे करवा सकता हूँ। कैसे? तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हारे नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, समझ रही हो ना? सो गई क्या लू? नहीं टॉम, मैं ना आग को देख रही हूँ। अरे आग ही तो है, पता नहीं तुम्हें इसमें क्या नजर आता है, सर्कस? नहीं टॉम, आग को देखकर ना मैं उस वक्त की कल्पना करती हूँ जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे। टॉम, आई वंडर। लुईसा, डोंट वंडर इन दिस हाउस, नेवर। पर मैं क्या करूँ, मेरा मेरे ख्यालों पर कोई जोर ही नहीं है। आई ऑलवेज वंडर कि जब हम दोनों लुईसा प्लीज, मैं पहले ही अपने सर दर्द से बहुत परेशान हूँ, और टॉम थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो, इतना सब कुछ पढ़ने लिखने और सीखने के बाद अपनी बहन को ऐसी उलझल बातों के लिए उकसा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मम्मी, टॉम ने मुझे नहीं उकसाया, मैं तो इन लाल लाल अंगारों को आग से उठकर गिरते और फिर बुझकर सफेद होता देखकर सोच रही थी कि मेरी जिंदगी भी इतनी ही छोटी है और इस छोटी सी जिंदगी में मैं बहुत कम कर पाऊंगी मम्मी। माय गॉड लुईसा, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और दुनिया भर की ऑलॉजीज पढ़ने के बाद तुम जैसी होनहार लड़की ये राख और अंगारों जैसी बकवास बातें करेगी, तो मुझ जैसी बीमार के सर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? काश मैंने शादी ही नहीं की होती, फिर देखती क्या करते तुम लोग मेरे बिना, और काश मैं पैदा ही ना हुई होती। सर, सर, मेरे पापा की कोई चिट्ठी आई? नो सिसिलिया जोप, नहीं आई। थैंक यू सर। इसको अभी तक समझ नहीं आया कि इसके पापा इसे छोड़कर चले गए हैं। लॉजिक का इस्तेमाल करती तो कब की समझ गई होती। खैर, बाउंडरी भी आ रहे हैं डिनर के लिए। जी। तुम्हारे पापा क्या बहुत पढ़े लिखे थे? ज्यादा नहीं मिस लुईसा। और तुम्हारी मम्मी? वो तो मेरे पैदा होते ही मर गई थी, लेकिन पापा बताते हैं कि वो काफी पढ़ी लिखी थी, वो सर्कस में डांसर थी। तुम्हारे पापा क्या तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करते थे? जान से भी ज्यादा, इसीलिए तो वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तब भी तुम्हें छोड़कर चले गए?
नहीं नहीं, मेरी भलाई के लिए, अपने फायदे के लिए वो मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाते। तुम लोग कहाँ रहते थे? कोई फिक्स जगह नहीं थी, हम एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते थे। पापा सर्कस में जोकर थे ना, जो लोगों को हंसाते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी लोग हंसते ही नहीं थे, तो पापा रोते थे। पिछले कुछ दिनों से ऐसा अक्सर होने लगा था। फिर मैं उनको कहानियां पढ़कर सुनाती थी और वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाते थे। अच्छा एक बात बताओ, जब वो तुम्हें छोड़कर चले गए उस दिन क्या हुआ था? पता नहीं मिस लुइजा, उस दिन मैं स्कूल से घर वापस लौटी ही थी। पापा अभी अभी सर्कस से आए थे, बैठे बैठे ऐसे हिल रहे थे जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो। आपको चोट लगी? हाँ बेटी, चोट लगी है थोड़ी सी। फिर मैंने उनका चेहरा देखा, उनसे बहुत बात करने की कोशिश की, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात बोलते रहे। मेरी बच्ची, मेरी नन्ही प्यारी सी बच्ची। लुइजा, टॉम मैं सिसी से कुछ बात कर रही हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। अभी सिर्फ ये कहना है कि बाउंडर भी आए पापा से मिलने, मैं चाहता हूँ तुम एक बार उनसे मिल लो। मिलोगे तो शायद वो हमें डिनर पे इनवाइट कर लें। ठीक है तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अच्छा मैं यहीं रुकता हूँ, कहीं तुम भूल ना जाओ। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटी आज फिर मेरा कर्तव्य खराब हो गया। बहुत दिनों से ऐसा ही हो रहा है, कोई हंसा नहीं और न ही ताली बजाई। बहुत दिनों से ऐसा ही हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ नहीं होता पापा, मैं आपको बताऊं आज क्या हुआ स्कूल में। क्या क्या हुआ बेटी? आपको पता है मेरे टीचर ने मुझे बताया कि आप मेरा गलत नाम बुलाते हैं, आपको मुझे बुलाना चाहिए सिसिलिया जूप। अच्छा सिसिलिया जूप? आपको पता है घोड़े की भी डेफिनेशन होती है। वो क्या होती है बेटी? वो मैं कल याद करके आऊंगी। कल? दिलखुश को भी चोट लगी है? हाँ बेटी, दिलखुश को भी चोट लगी है। देखो तुम शहर जाओ और वहां से तेल लेकर आओ जो मेरे इस घुटने की दर्द को खत्म कर सके। जाओगी ना बेटी? हाँ, मैं दिलखुश को साथ ले जाऊं? नहीं, तुम ऐसी कोई भी चीज लेकर नहीं जाओगी जो जो मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर मैं उन्हें वहीं बैठा हुआ छोड़कर चली गई और जब वापस लौटी वो जा चुके थे। लुइजा जल्दी करो, बाउंड्री भी चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मेरे पास कुछ और नहीं है आपको बताने के लिए, सिवाय इसके कि मैं आज भी 9 जड़ी बूटियों की तेल की शीशी अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पापा एक दिन जरूर वापस आएंगे। पर सब कहते हैं कि वो नहीं आएंगे, तुम्हें इतनी उम्मीद कैसे है? कैसे समझाऊं मैं आपको? शौक मुझे है बचपन से ही, मैं सुनूं कहानी पढ़ूं कहानी, राजा रानी परियों की, जिन्नों भूतों दानवों या मुद्दु बनते लड़कों की, अमीरों की फकीरों की, जब आता
कहानी की तरह है जो हर रोज एक नया मोड़ ले लेती है लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। चलिए अब इस शहर के कुछ महत्वपूर्ण पात्रों से रूबरू होने के बाद बात करते हैं शहर की। ये एक फलता फूलता इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ पर सिर्फ वही चीजें बनाई जाती हैं जिनसे कुछ फायदा हो, मतलब जिनको बाजार में बेचा जा सके। जो चीज बाजार में बेची नहीं जा सकती, जिससे कुछ कमाया नहीं जा सकता, वो यहाँ किसी काम की नहीं है। जैसे कि इमेजिनेशन बेकार की चीज है। यही वजह है कि यहाँ के सारी बिल्डिंगें, दफ्तर, स्कूल, मकान, घर, कैद खाने, दवाखाने, सबके सब ईंट, चूने और पत्थर की बिल्डिंग के सिवा कुछ नहीं है। और तो और यहाँ के सारे लोग भी बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। सारे के सारे लोग एक जैसे ही काम करते हैं। सुबह उठते हैं, पेट साफ करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और दफ्तर या फैक्ट्री में काम करने चले जाते हैं और दिन भर काम करने के बाद थके हारे शाम को घर वापिस आ जाते हैं। ये इनकी फिक्स्ड रूटीन है। और एक मजेदार बात, यहाँ के फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं वो अपने मजदूरों को हैंड्स कहकर बुलाते हैं, क्योंकि यही उनके लिए सबसे जरूरी चीज है जिससे वो महंगी महंगी चीजें बनाते हैं जो बाजार में बिकती है और उससे उनको फायदा होता है। अगले सीन में आप देखेंगे ऐसे ही एक मजदूर यानी कि हैंड को। देखिए क्या बात है मिस्टर बाउंडरबी, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मिसेस पासीदा, आप बैंक में सब ठीक है? हाँ वो ठीक है। आप फैक्ट्री के मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं? हाँ वो ठीक है। अब तो क्या आपका पेट फिर से खराब है? अरे मैं बोलूं? बोले ना। मैं मिस्टर ग्रैडग्राइंड के पागलपन के बारे में सोच रहा था। पागलपन? हाँ, वो सड़क से एक लड़की को उठाकर अपने घर ले आया। सच में? बिल्कुल। और उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी संगत का लुइसा पर क्या असर पड़ेगा। वैसे आपका लुइसा की चिंता करना जायज है, अगर आप उसके पिता के समान जी ठीक क्या बिल्कुल हाँ टॉम के लिए मैं पिता समान हो सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द वो मेरे घर में रहेगा और मेरे बैंक में काम करेगा। लेकिन मुझे लुइसा की सिर्फ इस बात की चिंता है कि वो सड़क छाप लड़की के साथ कैसे रहेगी। आप उन लोगों को नहीं जानती और जानेगी भी कैसे। आप तो सारी जिंदगी महलों में रही है और मखमल के बिस्तर पर सोती आई है। मिस्टर बाउंडरबी, क्या आप मुझे हमेशा ऐसे ही शर्मिंदा करते रहेंगे? लेकिन मैडम, आप इस बात को इनकार नहीं कर सकती कि आपकी परवरिश बड़ी ही हाईफाई सोसाइटी में हुई है। ये तो सच है सर। और बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहा है आपका। ये भी सच है। और बड़ी फैशनेबल और टिकटॉक जिंदगी जी आपने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। पर अंत में हुआ क्या? आज आप कहाँ हैं? मेरे यानी जोजाया बाउंडरबी के घर की हाउसकीपर, जिसके लिए मैं आपको सैलरी भी देता हूँ। मिसेस पासे सर, उसे सैलरी मत कहिए प्लीज। आई एम सॉरी, मैं भूल जाता हूँ। एनुअल कॉम्प्लीमेंट। या अब आप मुझे जबान दीजिए कि आज के बाद आप उसे सैलरी नहीं कहेंगे। छोड़िए ना मिसेस पासे, बाउंडरबी जबान दीजिए ना। ठीक है मैडम, कोई बाहर स्टीफन नाम का मजदूर आया, सर से मिलना चाहते हैं। मना कर दो उसे। अरे रुको, अंदर बुलाओ उसको। आप खाना खाइए ना सर। वैसे ये क्यों आया होगा सर? कुछ मांगने या शिकायत करने आया होगा। मैं इन मजदूरों की रग रग से वाकिफ हूँ। शराब पीना, झगड़ा करना, जुआ खेलना और फिर जेल की हवा करना, बस इन सब के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। अरे मेरा बस चले तो इनके हाथ और पेट रखू, बाकी शरीर हटा दू। जरूरत ही क्या है? स्टीफन, देखो स्टीफन, ये जो औरत यहाँ बैठी है ना, ये एक बहुत ही ऊंचे खानदान की बहुत ही सम्मानित महिला, और मेरे घर आके अगर तुम इन्हें सम्मान नहीं देते तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। सलाम मैडम। माफ कर दीजिए सर, आइंदा ये ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है, आप कहती है तो जाने देते हैं। बोले स्टीफन। सर मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात पर सलाह लेने आया हूँ। 19 साल पहले मेरी शादी हुई थी। बहुत अच्छी और सुंदर लड़की थी वो, लेकिन बाद में गलत रास्ते पर चल पड़ी साहब। उसे शराब की लत लग गई, उसने काम काज छोड़ दिया, घर के कपड़े बर्तन सब बेच दिए और आवारा हो गई। फिर एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई साहब, पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाती रहती है। ये सारी बातें मैं पहले से ही जानता हूँ। लेकिन साहब आप ये नहीं जानते कि वो कल फिर से वापस आ गई है। फिर से? जी, कल रात जब मैं घर पहुंचा तो वो नशे में बेसुध फर्श पर पड़ी हुई थी। वापस फिर आऊंगी वापस। अरे मेरा घर है, इस घर पर मेरा हक है। बड़ी बुरी बात है, असल में तो मैं शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, पर अब क्या हो सकता है। ऐसा मत कहिए सर, मुझसे अब और सहन नहीं होता। मैं अब तक इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि एक भली लड़की ने मुझे सहारा दिया, वही मेरे जख्मों पर मरहम रखती रहती है। रेचल, तुम ना होती तो मैं कब का पागल हो गया होता, क्या उस नदी में कूदकर जान दे देता। ऐसी बातें मत करो स्टीफन, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। देखो ये जख्मी है, बीमार है, मैं जो कर सकती हूँ इसके लिए करूंगी, क्योंकि ये मेरे बचपन की सहेली है। फिर तुम आए इसकी जिंदगी में और तुमने इससे शादी कर ली। सर मुझे लगता है ये अपनी बीवी से छुटकारा पाकर उस लड़की से शादी करना चाहता है। क्या साहब, मैं यही चाहता हूँ। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि
बड़े बड़े लोग जब एक दूसरे से दुखी हो जाते हैं तो अलग रहने लगते हैं, फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता साहब? प्लीज मेरा इस औरत से पीछे छुड़ाइए साहब। नहीं स्टीफन, ऐसा नहीं हो सकता। साहब ऐसा मत कहिए साहब, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि ऐसे मामलों में छुटकारा मिल सकता है, ऐसा कोई कानून है साहब? हाँ एक कानून है, पर उसके लिए बहुत पैसा लगता है, तुम्हारे पास की बात नहीं है? कोई और रास्ता नहीं है साहब? हाँ एक रास्ता है, तुमने सुख दुख में साथ रहने की जो कसम खाई है उसे निभाओ, और कुछ कहना है तो कहो नहीं तो जाओ। जी साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, ईश्वर आपको खुश रखे। सुनो तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की उम्र में बहुत फर्क है क्या? जी ज्यादा नहीं, वो एक दो साल छोटी है मुझसे। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हस्बैंड और वाइफ की उम्र में ज्यादा फर्क होने पर शादीशुदा जिंदगी में अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्या बात कर रही है मिसेस पासेट, दिक्कत तब होती है जब फासला कम हो। क्या सीखन? जी साहब। तो फिर खड़े क्यों, जाओ ना यहाँ से। तू कहीं का सब करना ही पड़ता है। आप अपना बताइए। माफ करना, क्या तुम वही हो जो अभी अभी उन साहब के घर से निकले? जी हाँ मैं वही हूँ। शुक्र है, मुझे लगा पीछा करने में कहीं गलती तो नहीं कर दी। खैर तुमने साहब को देखा? जी देखा। कैसे दिख रहे थे, मोटे ताजे हंसते खेलते? जी ऐसे ही थे। सेहत तो ठीक थी ना उनकी? जी हाँ अच्छे खासे खा पी रहे थे और ऊंची ऊंची आवाज में बातें भी कर रहे थे। आप क्या किसी गाँव से आई? हाँ बेटा आज सुबह की गाड़ी से आई, 40 मील दूर से, और 9 मील पैदल भी चली। वापसी में अगर लिफ्ट ना मिली तो फिर पैदल चलना पड़ेगा। आप बुढ़ापे में थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। जी ज्यादा सफर करना ठीक नहीं। नहीं नहीं मैं साल में सिर्फ एक बार ही आती हूँ, साहब को देखती हूँ और फिर वापस चली जाती हूँ। सिर्फ देख कर? हाँ मेरे लिए इतना ही बहुत है। बड़ी देर से खड़ी थी, साहब तो दिखे नहीं, तो तुम्हें निकला देखा तो सोचा तुमने साहब को देखा होगा तो मैं तुम्ही को देख लेती हूँ, बात तो एक ही है ना। अच्छा मैं चलता हूँ। काम पर जा रहे हो? जी। कहाँ काम करते हो? मिस्टर बाउंडरबी की फैक्ट्री में कपड़ा बुनता हूँ। कितने सालों से? ये कोई 12-13 साल से। इतने सालों से? जी। क्या मैं तुम्हारा हाथ चूम सकती हूँ? जी मैं चलता हूँ। कौन हो सकती है ये औरत, और हर साल ये शहर में क्यों आती है? पता नहीं, डिकेंस ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा तो मैं इसके बारे में क्यों कुछ कहूँ। खैर स्टीफन बाउंडरबी की फैक्ट्री में काम करने के लिए चला गया, लेकिन ये औरत वहां जाकर के उस फैक्ट्री को देखती रही और शाम तक खड़ी रही, मशीनें धड़ाधड़ काम कर रही थी। शाम को अचानक जब स्टीफन ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वो औरत अभी भी वहीं के वहीं खड़ी थी। सामान बनाते दुनिया भर का बेचारे ये कारीगर भी थक जाते जब कर लेते आराम। कभी कभी बड़े बड़े सब कारखाने धुआं उगलना जहरीला कर देते हैं बंद ये भी कभी कभी। पर कभी न थकता कभी न रुकता समय का अद्भुत कारखाना। कभी न थकता कभी न रुकता समय का अद्भुत कारखाना। पिक 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 करता धुन में अपनी सदा निरंतर चलता रहता। पिक पिक करता धुन में अपनी सदा निरंतर चलता रहता। समय गुजर जाता लंबा अपने बाप से भी बच्चा जब हो जाए। किसी के सारे दांत गिरे या सर गंजा हो जाए। या ननाए बीज फूट कर वृक्ष बड़ा बन जाए। समय बड़ा बलवान यूं तो एक काम ये ना कर पाए। समय बड़ा
बड़ी हो गई हो? अचानक नहीं पापा, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं और कई कई दिन तक घर नहीं आते, इसलिए आपको पता ही नहीं चला। हाँ बेटा वो तो है, आओ मुझे तुमसे बहुत जरूरी कुछ बात करनी है। बेटा मैं कहना चाहता हूँ, क्या बात है तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तुम ठीक तो हो? मैं जितनी ठीक हो सकती हूँ उतनी ठीक हूँ पापा, आपने मुझे बुलाया सर। हाँ जूप, देखो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नजर नहीं आता। जी सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारा रिजल्ट देखकर मैं बहुत निराश हूँ, तुम फैक्ट्स और फिगर्स में अभी भी बहुत कमजोर हो। आप सच कह रहे हैं सर, लेकिन मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की है। वो हमें मालूम है सर, मुझे ना कभी कभी लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश की, अगर थोड़ा कम करती नहीं, जो सिस्टम बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, मेरे ख्याल से तुम्हारी पिछली जिंदगी ने तुम्हारे दिमाग को कमजोर कर दिया और तुमने शुरुआत भी बहुत देर से की है। सर आपने गरीब बेसहारा लड़की के लिए इतना कुछ किया, काश मैं इसका बेहतर बदला चुका सकती। इट्स ओके, देखो तुम बहुत अच्छी प्यारी और ईमानदार लड़की हो और तुम मेरे परिवार के लिए और मिसेस ग्रैडग्राइंड के लिए बहुत काम करती हो, तो तुम घर पर रहकर भी खुश ही रहोगी। जी सर, मुझे कुछ और नहीं चाहिए बस अगर। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम अभी भी अपने पापा के बारे में सोच रहे हो। देखो बेटा मैं बस इतना ही कहूंगा कि तुम साइंस और लॉजिक की ढंग से पढ़ाई की होती तो ज्यादा समझदार होती। खैर तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। तो लुइजा मैं कह रहा था कि तुम बड़ी हो गई हो और टॉम तो पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके मिस्टर बाउंडरबी के बैंक में काम करने जा चुका है, अब तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। लुइजा तुमने अपनी एडुकेशन को बहुत सीरियसली समझाया और मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। तुम बिल्कुल इमोशनल नहीं हो, ना ही तुम बेकार के सपने देखती हो, तुम हर चीज को लॉजिकली नापती तोलती हो। तो अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मिस्टर बाउंडर भी तुमसे शादी करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे तुमसे ये बात करने के लिए कहा है, इस बारे में तुम क्या सोचती हो? पापा क्या आपको लगता है कि मैं मिस्टर बाउंडर भी से प्यार करती हूँ? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उनसे प्यार करूं? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो क्या मिस्टर बाउंडर भी चाहते हैं क्या मैं उनसे प्यार करूं? ये कैसी बात कर रही हो तुम मेरी बच्ची, इसका जवाब देना तो बहुत ही मुश्किल है। देखो बेटा शादी के मामले में ये प्यार व्यार जैसी काल्पनिक चीजें अक्सर जाहिल और बेवकूफ लोग करते हैं और बाउंडर भी तो इतने बेवकूफ है नहीं और ना ही तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, तो तुम्हारा ये सवाल गलत है। तो मुझे क्या पूछना चाहिए पापा? इस मामले में पूछ सकती हो कि फैक्ट्स क्या है। क्या है फैक्ट्स इस मामले में? फैक्ट्स ये है कि तुम दोनों की उम्र में करीब 30 साल का फर्क है, लेकिन तुम्हारे खानदान और स्टेटस में कोई फर्क नहीं, उल्टा बराबरी है। तो क्या उम्र का फर्क शादी में कोई रुकावट नहीं है पापा? अच्छा सवाल था, इस सवाल का जवाब देने के लिए हम ऐसी शादियों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। देखो इंग्लैंड, वेल्स, इंडिया और चाइना से अभी तक हमें जो आंकड़े मिले हैं उनके हिसाब से ज्यादातर शादियों में पुरुष स्त्रियों से बड़े होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि उम्र का फर्क कोई फर्क नहीं माना जा सकता। जी पापा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी माँ से शादी करने का फैसला लेते वक्त मैंने क्या सोचा। देखो उस वक्त मुझे सिर्फ दो फैक्ट नजर आए, पहला कि तुम्हारी माँ बहुत प्रैक्टिकल थी और ये फालतू की इमेजिनेशन में विश्वास नहीं करती थी, और दूसरा उसका परिवार काफी अमीर था। अब तुम्हारी बारी है लुइजा, सोच समझ कर फैसला करो। मुझसे बहुत प्यार करती हो ना लू? हाँ टॉम, और तुम कितने कितने दिन तक मुझसे मिलने ही नहीं आते? वही तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, तुम भी यही चाहती हो ना? हाँ टॉम। तो सोच समझ कर फैसला करना लुइजा, मेरी जिंदगी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। और मेरी जिंदगी का क्या? मैं भी कुछ करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। शादी के लिए हाँ कर देना लुइजा। टॉम मेरी जिंदगी का क्या? हाँ कर देना लुइजा, मेरी जिंदगी। क्या हुआ लुइजा, तुम क्या कोक टाउन की चिमनियों से जला कर रही हो? पापा यहाँ तो इस काले धुएं के अलावा कुछ नजर नहीं आता, पर जब रात होती है ना तो अक्सर एक आग जल उठती है। लेकिन इससे इसका क्या मतलब? पापा जिंदगी बहुत छोटी है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, एवरेज ह्यूमन लाइफ पिछले कुछ दिनों से लंबी हो गई है, ऐसा मैं आंकड़ों से पता चलता है। पापा मैं अपनी जिंदगी की बात कर रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी? हाँ वो भी बाकी सबकी तरह लॉज ऑफ नेचर से बंधी हुई है। क्या फर्क पड़ता है? मतलब मिस्टर बाउंडर भी मुझसे शादी करना चाहते हैं, अब सवाल ये है कि मैं उनसे शादी करूँ या नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर मिस्टर बाउंडर भी मुझसे इतना ही चाहते हैं तो मुझे भी उनसे शादी करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। आप जल्दी से जल्दी उन तक मेरा जवाब पहुंचा दे और कोशिश करें कि एक एक शब्द ऐसे का ऐसा उन तक पहुंचे। हाँ मैं ऐसे ही बताऊंगा। अच्छा बेटा शादी की डेट्स को लेकर तुम्हारी कोई इच्छा? जी नहीं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी क्यों बात कर रही हो, क्या कोई और तो नहीं जो तुमसे शादी करना चाहता हो और मुझे पता ना हो? पापा मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, कौन मुझसे शादी की बात करेगा, मेरे दिल तो इन सब बातों के बारे में जानते ही नहीं कुछ। तुम ठीक कहते हो। तो आप इतना अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था।
पापा आपने तो बचपन से मुझे इतनी अच्छी तरह ट्रेन किया है, मेरा दिल कभी बच्चों जैसा रहा ही नहीं। बच्चों के सपने, उनकी इच्छाएं, उनके छोटे छोटे डर मैंने कभी महसूस नहीं किए। आपने तो मुझे बचपन में ही बड़ा कर दिया था ना। लुजा, तुमने आज मेरी परवरिश का पूरा कर्ज चुका दिया है और मुझे खुशी है कि तुमने सोच समझ कर एक ठोस फैसला लिया है। मेरी सबसे प्यारी बच्ची सिसिलिया जूप, बच्चों ने खाना खा लिया? जी, वो खाना खा के सो चुके हैं। चलो बच्चे, तुम्हारी माँ भी आ गई है, आओ। मिसेस ग्रैडग्राइन, इनसे मिलिए, मिसेस बाउंडरबी। हाँ, तो तुम लोगों ने तय कर लिया? चलो, मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारी सेहत ठीक रहे, क्योंकि शादी के बाद अगर तुम्हारे सर में भी दर्द हो गया जैसा कि मेरे साथ हुआ था, तब तो बड़ी बुरी हालत होती है बेटा। पर मेरे सामने अब एक समस्या खड़ी हो गई है कि मैं मिस्टर बाउंडरबी को कहकर क्या बुलाऊंगी। आप क्या कहना चाहती हैं? अब शादी के बाद उन्हें कुछ तो बुलाना पड़ेगा ना। अब बेटा मैं कह नहीं सकती क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मिस्टर भी नहीं कह सकती, तो आखिर कहूं क्या? आप चलिए चलिए। लुजा, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ, लेकिन क्यों? मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है। लेकिन लुइसा, ये गलत है। लुइसा नहीं, मुझे मिसेस बाउंडर भी बुलाना। देखा आप लोगों ने, सिसी ने बहुत कोशिश की कि वो लुइसा को बाउंडरबी के साथ शादी करने से रोके। आपको क्या लगता है वैसे, क्या उसे उससे शादी करनी चाहिए? बताइए प्लीज। मुझे भी ऐसे लगता है शायद, लेकिन क्या करें, मिस्टर ग्रैडग्राइंड को उसमें अपने लॉजिक के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया और मिस लुइसा मिसेस बाउंडरबी हो गई। शादी से पहले ही टॉम मिस्टर बाउंडरबी के घर रहने चला गया था, उन्हीं की शरण में रह रहा था, और शादी के बाद उसकी बहन भी वहां आ गई, उसका साथ मिल गया और उसने इसका खूब फायदा उठाया। इधर मिसेस पार्सिट को मिस्टर बाउंडरबी ने अपने बैंक का केयर टेकर बनाकर वहीं रहने के लिए भेज दिया और वो वहां बड़े इत्मीनान से रह रही थी। इस तरह से हमारा जो उपन्यास है उसका पहला हिस्सा खत्म होता है, मतलब सोइंग का पार्ट खत्म हो गया। अब देखते हैं दूसरा हिस्सा, यानी कि रीपिंग, यानी कि फसल काटना या फल की प्राप्ति। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक कहानी में कोई ट्विस्ट ना हो तो कहानी में मजा नहीं आता। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम दूसरा हिस्सा, रीपिंग, जिसमें कि आएगा कहानी में एक ट्विस्ट। स्टार्ट प्लीज। बैंक में सब ठीक चल रहा है ना? यस मैडम। सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं ना? बाकी सब ठीक है, पर उस टॉम को छोड़कर। बेजर, भूलो मत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर किसी की शिकायत करनी हो तो उसका नाम नहीं लेते, खास तौर पर उनके करीबी लोगों का। क्योंकि मिस्टर बाउंडरबी ने बैंक की जिम्मेदारी मुझे इसलिए दी है क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं भी उनकी इज्जत का पूरा ख्याल रखती हूँ। सो बेजर, किसी का नाम नहीं लेना, ठीक है? यस मैडम। पर वो शख्स जब से बैंक में आया तब से बेहद निकम्मा, खर्चीला और बुरे चाल चलन वाला हो गया है, और वो ये इसलिए कर पाता है क्योंकि उसकी बहन मालिक की बीवी है और वो अक्सर उसको पैसे देकर उसकी आदतें बिगाड़ रही है। और ये सब तुम मुझे इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम मिस्टर ग्रैडग्राइंड के मॉडल स्कूल के सबसे होनहार स्टूडेंट रहे हो। यस मैडम, और इसलिए भी कि मेरी तनख्वाह काफी कम है और मैं चाहता हूँ मैं और ज्यादा तरक्की करूँ। बताइए मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ? बच्चर, मैं काफी देर से देख रही हूँ, वो आदमी वहाँ पे खड़ा है, जरा पता लगाओ तो कौन है। मैं देख के आता हूँ। बाहर से आया लगता है, शक्लो सूरत से काफी अमीर और खानदानी भी लग रहा है। मैडम, कोई मिस्टर हार्टहाउस आया लंदन से मिस्टर बाउंडरबी से मिलने। तो जाओ उन्हें उनसे मिलवाओ। मैं मिलवा क्या? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको ये शहर शायद अच्छा ना लगे। ये धुआं देख रहे हैं आप, गोक टाउन के लोग धुआं ही खाते हैं, धुआं ही पीते हैं। धुआं सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खासतौर पर हमारे फेफड़ों के लिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि धुआं कम करने के लिए हम अपनी मशीनों की रफ्तार कम कर दें तो आपको निराश होना पड़ेगा। I can understand, Mr. Bounderby. बटलर, मिसेस बाउंडरबी को बुलाओ। देखिए, आप एक खानदानी आदमी है, पर मैंने तो अपने आप को गटर से निकाला है ताकि आज आपके बराबर खड़ा हो सकूं। अरे बराबर क्या मिस्टर बाउंडरबी, आज आप हमसे भी ऊपर हैं। अच्छा, आप कहते तो मैं मान लेता हूँ। हाँ लुइसा, आओ। लुइसा माय वाइफ, मिस्टर हार्टहाउस फ्रॉम लंदन। तुम्हारे पापा ने यहाँ भेजा या कि लोकल पॉलिटिक्स समझने के लिए? ये क्या, मिस्टर ग्रेडगाइन ने तो अपनी बेटी की बहुत तारीफ की थी कि वो काफी इंटेलिजेंट और मैच्योर है, लेकिन ये तो 20-22 साल की लड़की है। पर सोचने की बात ये है कि नन्ही परी इसके जाल में फंस कैसे गई।
एनीवेज नाइस टू मीट यू मिसेस बाउंडरबी। हार्टहाउस, आप देख रहे होंगे कि मेरी बीवी मुझसे उम्र में काफी छोटी है, पता नहीं उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मुझसे शादी कर ली। खैर ये छोड़िए, ये बताइए पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? देखिए मिस्टर बाउंडरबी, मैंने जिंदगी में बहुत हाथ पैर मारे लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं लाइफ में इतना बोर हो चुका हूँ कि मेरा किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं बचा। फिर इनके फादर ने कहा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, मैं आ गया। बड़े जी पॉलिटिशियन है, लेकिन आप बला की खूबसूरत है। चलिए कोकटाउन में रहने की कोई हसीन वजह तो मिली। ये लीजिए, ये हार्ट हाउस तो पहली ही नजर में लुइजा का दीवाना हो गया। ये है तो बड़ा ही शातिर आदमी, और उसने चार कुछ एक दिनों में पता लगा लिया कि लुइजा के दिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, उसका भाई टॉम, और उसने उसके साथ दोस्ती काटना शुरू कर दिया और वो इसमें कामयाब भी हुआ। देखिए टॉम कुछ भी बोलो यार, तुम आदमी हो बड़े मजेदार। ज्यादा मजेदार तो वो बाउंडर भी है। अरे थोड़ा तो लिहाज रखो, तुमसे बड़े भाई। मुझे उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं, उसके बारे में जो मैं सोचता हूँ वही बोलता हूँ। लेकिन वो तुम्हारी बहन का पति है। अरे छोड़िए, असल मेरी बहन को उससे कभी कोई लगाव था ही नहीं। अच्छा, वो तो मेरे कहने पर उसने उस बाउंडर भी से शादी की है। वाह क्या भाई है, ऐसा भाई हो तो आपको दुश्मन की क्या जरूरत। लेकिन टॉम वो मिस्टर बाउंडर भी के साथ बड़े अच्छे से निभा रही है यार। अरे लड़की है ना, लड़कियां कहीं भी गुजारा कर लेती हैं। लेकिन टॉम मैं देख रहा था यार, जिस बहन ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया उससे तुम बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे थे। कि वो भूल गई है कि उसने मेरी वजह से बाउंड्री से शादी की है, उसे मेरी जरूरतों का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। भाई क्या चाहिए यार तुम्हें, पैसे बोलो कितने चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बोलो। थैंक यू लेकिन अभी नहीं, फिलहाल मुझे जाना होगा, हम फिर मिलेंगे। बिल्कुल जरूर। वैसे एक बात तो है, अपनी खूब बनेगी। आप बहुत बढ़िया आदमी है मिस्टर हार्टहाउस, लेकिन तुम बहुत घटिया हो भोचू। अगर तुम्हें पता होता कि आज तुमने अपनी बहन का कितना बड़ा नुकसान किया है तो तुम कोकटाउन की उस बैंगनी नदी में डूब मरते। कमाल का कोइंसिडेंस है ना मिसेस बाउंडरबी, आज आप मुझे अकेले में मिल गई। जी मुझे आपसे आपके भाई टॉम के बारे में बात करनी है। टॉम के बारे में? वैसे एक बात तो है, टॉम का नाम लेते ही आपके चेहरे पर जो ये रौनक आती है ना, ऐसी खूबसूरत चीज मैंने आज तक नहीं देखी। आप टॉम के बारे में बात करने वाले थे? माफ कीजिएगा, आपका चेहरा देखकर तारीफ किए बगैर रह ना सका। हालांकि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ आपसे टॉम के बारे में बात करने में ही है। ओ, तो आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं मिस्टर हार्टहाउस? अगर आपने बात कुछ दिन पहले पूछी होती तो मेरा जवाब होता ना, लेकिन अब हाँ लुइजा। देखिए मिसेस बाउंडरबी, आपके भाई की उम्र में अगर कोई लड़का ज्यादा खर्चा करने लग जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लग रहा हो कि वो बात नहीं सुन रहा है, बिगड़ गया है। मुझे लगता है कि वो गलत संगत में पड़ गया। अच्छा ये बताइए कि टॉम और मिस्टर ग्रेडगैंग के बीच कभी दोस्तों की तरह बातचीत होती है? जी नहीं। लेकिन मिस्टर बाउंडरबी से तो उसकी खूब बातचीत होती होगी। नहीं, टॉम सिर्फ मुझसे बात करता है। अरे आपसे तो सिर्फ पैसे मांगता है बेचारा, अपने दिल की बात तो किसी से कर ही नहीं पाता। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उससे उसके दिल की सारी बातें करूंगा। देखिए मैंने जिंदगी में सब कुछ देखा है, मैं उसे सही सलाह भी दूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर हार्टहाउस। अरे थैंक यू क्यों कह रही हैं? देखिए जब बच्चों को बचपन में सिखाया नहीं जाता कि बड़े होकर उन्हें कैसे कैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है तो अक्सर वो भटक जाते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उसे भटकने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच। लेकिन टॉम की एक गलती मैं कभी माफ नहीं कर सकता। कौन सी गलती? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं काफी पर्सनल हो रहा हूँ। बताइए ना प्लीज। देखिए अब आप पूछ रही हैं तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। देखिए टॉम के लिए आप इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो आपसे कितनी बदतमीजी से पेश आता है, मैं कैसे माफ कर दूं उसको? इधर ये सब चल रहा था, उधर मिस्टर बाउंडरबी की फैक्ट्री में मजदूरों ने यूनियन बना ली। अब जिस आदमी ने अपनी बीवी तक का ख्याल नहीं रखा तो मजदूरों का तो क्या ही ख्याल रखता होगा, ये तो होना ही था। देखिए क्या हुआ। हड़म हड़म आओ, आज तुम्हें एक नमूने से मिलवाता हूँ, मिलना चाहोगे? अरे बिल्कुल, बैठो सिफन अंदर आओ। सलाम साहब। सलाम मैडम। तो सिफन ये मैं क्या सुन रहा हूँ, फैक्ट्री के मजदूरों ने यूनियन बना ली? आपको तो सब पता है साहब। मुझे ये बताओ ये लोग क्या करने की सोच रहे हैं? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता साहब। वैसे तुमने यूनियन में शामिल होने से मना क्यों किया? क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं यूनियनबाजी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अरे वाह, अगर तुमने किसी से वादा नहीं किया होता तो तुम मिस्टर बाउंडरबी के खिलाफ उन लोगों से मिल जाते। वाह जी है? जी सुना आपने, उन लोगों ने उसको बॉयकॉट कर दिया, बदमाश है सबके साथ। वो बदमाश नहीं है साहब, वो अच्छे लोग हैं, सुख दुख में साथ देते हैं एक दूसरे का। लेकिन वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं साहब, मजदूर सारी जिंदगी खून पसीना कमाता है, मिलता क्या है उसे, दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती साहब। कभी आकर देखे कि
वो किस हालत में रहते हैं, कैसे जीते हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो लोग अच्छे हैं, तो फिर आए क्यों? मैं नहीं आया साहब, आपने खुद बुलाया था। ओ हाँ, देखो स्टीफन मुझे ये बताओ, ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्या बातें करते हैं, इन सब की खबर मुझे देते रहो, इसके लिए तुम्हें कुछ अलग से दूंगा मैं। साहब मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। क्यों, तुम तो वैसे भी उनके यूनियन में शामिल नहीं हो। मैं उनके साथ नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूँ। अच्छा अगर ऐसी बात है तो 3 दिन के अंदर अंदर अपना कोई दूसरा निजाम ढूंढ लो, क्योंकि मेरी फैक्ट्री में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। साहब अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो इस शहर में कोई और नौकरी नहीं देगा मुझे। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है साहब, मेरी बातों का अगर आप यही मतलब निकालते हैं तो ईश्वर आपको खुश रखे। खुश रखे, देखा ना तुमने। हाँ। अरे मैंने तुमसे कहा था ये मजदूर गटर के कीड़े हैं, कीड़े। बाउंडरी आप कैसे झेल लेते हैं? टॉम मेरे साथ चलो, मुझे उस मजदूर से मिलना है। क्यों तुम नहीं समझोगे टॉम, बस चलो। बताओ तो सही। टॉम आज तक ना मैंने मजदूरों के बारे में बस पढ़ा है कि ये लोग वो होते हैं जो गेहूं महंगा होने पर रोने लगते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं पर हार जाते हैं, इनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है, 10% मजदूर क्राइम करते हैं, 25% भूख से मर जाते हैं। इसके अलावा मैंने इन्हें बस मैथ्स के सवालों में पढ़ा कि एक काम को 3 मजदूर 5 दिन में करते हैं तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। क्या बात कर रही हो, कितनी बार तो तुमने उनको शहर में चींटियों की तरह आते आते भी देखा है। वही तो टॉम, आज तक मैंने इन्हें बस समंदर की तरह देखा है। पहली बार एक मजदूर को करीब से देखा मैंने, मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, जो थोड़ा हो सके मैं करना चाहती हूँ। टॉम प्लीज चलो मेरे साथ। ठीक है भैया लीजिए। स्टीफन? रेचल तुम? हाँ वो मुझे पता चला कि तुम्हें मिस्टर बाउंडरबी ने बुलाया है, तुम्हें यहाँ चली आई। देखो मैं फिर मिल गई तुम्हें। आप रेचल के साथ कैसे? अखबार में पढ़ा था कि बाउंडरबी की शादी हो गई है तो मैं उनकी बीवी देखना चाह रही थी, बड़ी देर से खड़ी थी लेकिन वो दोनों तो दिखे नहीं, तो मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी, इसका चेहरा इतना प्यारा लगा कि से बात करने लगी। खैर तुमने साहब की बीवी को देखा? जी देखा। कैसी दिखती है, जवान खूबसूरत? जी हाँ खूबसूरत है, लेकिन रेचल इतनी खामोश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कितनी खुश नसीब है वो लड़की। जी शायद। शायद क्यों, तुम्हारे साहब की बीवी है वो। हाँ लेकिन अब वो मेरे मालिक नहीं है। तुमने नौकरी छोड़ दी? मैंने नौकरी छोड़ दी या नौकरी ने मुझे छोड़ दिया, बात तो एक ही है ना रेचल। वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि कहीं और जाकर किस्मत आजमाऊं, यहाँ दूसरों को मुसीबत में फंसाने से तो अच्छा है। पर कहाँ जाओगे स्टीफन? अभी तय नहीं किया रेचल, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, पता नहीं दोबारा कब मुलाकात हो। तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी नहीं अम्मा, बैठने जा रहे थे, आप भी आइए। माफ कीजिए मैं आपका नाम पूछना भूल गया। मैं मिसेस पेगलर। आपके पति? नहीं है, मर गया वो। बहुत दुख की बात है। हाँ आखिरी वाला बहुत अच्छा था। जी आपके बच्चे तो होंगे ही? मेरा एक बेटा था, मैंने उसे खो दिया। कहाँ चला गया वो? वो देखो वो खड़ा। स्टीफन, इस बाउंडरबी तुमसे जरा बात करना चाहती हैं। बाउंडरबी? मुझे छुपा लो। पर अभी तो आप मिसेस बाउंडरबी से मिलना चाहती थी। मिसेस बाउंडरबी? मैं यहीं से देख लूंगी, अभी अभी जो हुआ मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आप इनकी बीबी हैं? जी नहीं मैं रेचल हूँ। ओह आई एम सो सॉरी। क्या ये सच है कि अगर एक मालिक आपको नौकरी से निकाल दे तो कोई और नौकरी नहीं देता? जी मुश्किल है, नाम खराब हो जाता है। अब क्या करोगे तुम? कहीं और जाकर किस्मत आजमाऊंगा मैडम। रेचल क्या तुम मेरी तरफ से स्टीफन से रिक्वेस्ट करोगे कि ये पैसे रख ले, इसके काम आएंगे, तुम्हारी बात ये मान लेगा? आप एक गरीब के लिए इतना सब कुछ सोच रही है, भगवान आपका भला करे। पर मैं इसे नहीं कह सकती, ये वही करेगा जो इसके दिल को सही लगेगा। स्टीफन प्लीज। नहीं मैडम, आज तक किसी ने इतनी हमदर्दी नहीं दिखाई, मैं आपका एहसान मंद हूँ ये दिखाने के लिए मैं आपसे 2 पाउंड उधार लेना चाहूंगा और वो लौटाते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू मैडम। एक मिनट लुइसा, जाने से पहले मैं जरा इससे बात करना चाहता हूँ। ब्लैकपूल जरा इधर आओ। जी साहब। मुझे अब बेबी को सूझा है, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारी नौकरी लगवाने की कोशिश करूंगा पर कुछ पक्का नहीं कह सकता। बस तुम जा कब रहे हो? साहब ये कोई 2-3 दिन में। तो एक काम करो, 2-3 दिन तक शाम को बैंक के बाहर आकर खड़े होना, काम बन गया तो मैं चिट्ठी पहुंचा दूंगा, लेकिन
चिट्ठी नहीं पहुंची तो समझ लेना काम नहीं बना, समझे? जी समझ गया साहब। और देखो सुनो, इन सब चीजों में कुछ गड़बड़ मत करना, ये सब बात मैं अपनी बहन को रास्ते में बता दूंगा। हम चलते हैं। लुईसा सलाम साहब। चलो थैंक यू वेरी मच। चलो चलो लुईसा जल्दी। ठीक है रेचल। कितनी प्यारी लग रही थी वो। अच्छा मैं फिर मिलूंगी, ठीक है? जाने से पहले कोशिश करूंगा तुमसे एक बार और मिलने की, नहीं तो। छोड़ो स्टीफन, मुझे पता है तुम नहीं मिलोगे। मुझे चिट्ठी लिखना स्टीफन कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। जरूर लिखूंगा रेचल, तुम अपना ध्यान रखना। सिर्फ आप क्यों रो रही है? अरे चोरी तो मेरे बैग में हुई है। हाँ तो हाँ, तुमने सुना मेरे बैग में चोरी हो गई। क्या कब? हाँ कल रात को हुई। कैसे हुई ये चोरी? मैं बताती हूँ। रात को बिजर ने सब कुछ लॉक किया और चाबी मुझे दे दी। मैंने चाबी अपने तकिए के नीचे रख ली और वो सुबह तक वहीं थी, क्योंकि चोर ने नकली चाबी से ताला खोलकर चोरी की थी। ज्यादा पैसा तो नहीं गया ना? अरे तुम्हें रकम की पड़ी है? बड़ी बात तो ये है कि मेरे बैग में चोरी हुई है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? मिस्टर ग्रैगबैंड की बेटी ने इस बात को सही तरीके से समझा और सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे नहीं मालूम था ये ऐसा नहीं कर सकती है। टॉम कहाँ है? अरे बैंक में है, पुलिस की मदद कर रहा है। आपको किसी पर शक है मिस्टर बाउंडरी? शक? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है स्टीफन ब्लैकपूल की हरकत है। ये तो वही है जिसको दो तीन दिन पहले आपने नौकरी से निकाल दिया था। जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसने चोरी नहीं की। ऐसा ही हुआ है, दो दिन से वो मेरी बैंक के बाहर चक्कर लगा रहा था। मिसेस स्पार्सिट ने उसे देखा और बिट्जर को भी दिखाया और आसपास के दुकानदारों ने भी उसे देखा है। फिर तो आपका शक एकदम सही है। बिल्कुल, और देखिए ना वो आदमी अब शहर छोड़कर ऐसे भागा है जैसे मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर भाग गई थी। ये काम उसने अकेले नहीं किया, एक बूढ़ी औरत ने उसका साथ दिया, और जब तक वो लोग पकड़े ना जाए ना ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, समझे ना? मिस्टर बाउंडरबी आप चिंता मत कीजिए, पुलिस उन लोगों को बहुत जल्द पकड़ लेगी। मिसेस बाउंडरबी देखिए इनको कितना सदमा लगा है, कुछ दिन हमारे यहाँ रहेंगी तो ठीक हो जाएंगी, ठीक है? आप आराम करिए, चलिए। मिस्टर बाउंडरबी आप मेरी परवाह मत कीजिए, बस आप खुश रहने की कोशिश किया कीजिए। मुझे याद है शादी से पहले आप कितना मुस्कुराया करते थे, मुस्कुराइए ना सर। चलिए आप आराम करिए, तुम आओ मेरे साथ। लुईसा क्या हो गया? वही जो हुआ। देखो लुईसा जब तुम ऐसे सीरियस होती हो ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ जब तुम मुस्कुराती हो तो एकदम नन्ही परी लगती। नन्ही परी? ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देख कर मुस्कुराओ जल्दी। लो इस कद्दू का तो हो गया काम, उधर बैंक में डकैती और इधर घर में, और मेरी तो जैसे लॉटरी ही निकल गई। तो चलिए घूमने चलते हैं। जी बिल्कुल, प्लीज। जाओ जाओ, कान खोल कर सुन ले कद्दू, अब यह सम्मानित महिला तुझे दिखाएगी ऐसा जलवा कि तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। देखो तो कैसे हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं। इन दोनों को देखकर मेरे दिमाग में जानते हैं क्या तस्वीर उभरती है, बहुत ही आलीशान सीढ़ियां हैं और लुईसा धीरे धीरे एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि ये सीढ़ियां जहां खत्म होती हैं वहां एक ऐसा गहरा गड्ढा है जहां बर्बादी और बदनामी उसे गले लगाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आओ मेरी प्यारी लुईसा और बस नीचे उतरती जाओ और इस गड्ढे में गिर जाओ। हाँ अरे रुको मत, वापस मत जाओ लुईसा, नहीं रुको मत लुईसा। कोई बात नहीं डार्लिंग, मैं भी हिम्मत हारने वाली नहीं, एक ना एक दिन तो तुम इस गड्ढे में गिरोगी ही। देखा आपने, मिसेस पार्सिट बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब लुईसा इस बर्बादी के गड्ढे में गिरे, लेकिन डिकन साहब ने उसके मंसूबों पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा दी, क्योंकि
लुईजा के घर से खबर आई कि उसकी माँ बहुत सख्त बीमार है और वो वापस घर चली गई। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप बहुत टाइम के बाद वापस अपने घर आते हैं तो अचानक बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लुईजा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं लुईजा नहीं, मिसेस बाउंडरबी हूँ। हेलो लुईजा, हाय जी। कितनी बड़ी हो गई तुम जी। हाँ, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आती? मैं मम्मी को तंग नहीं करना चाहती। वो कैसी हैं आप? सो रही हैं। तुम वहाँ क्या देख रही थी? मैं आग को देख रही थी। क्यों? मुझे अंगारों को देखना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? लाल लाल अंगारों को उठते और गिरते देख कर ऐसा लगता है जैसे ये बहुत छोटी है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जी। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अंगारों को बुखार था और जब वो गिर कर सफेद हुए तो बुखार उतर गया। सिस्सी कहती है उन्हें बहुत आराम मिलता होगा। मैम, मिसेस बाउंडरबी आई हैं। मुझे सच में अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं मिस्टर बाउंडरबी को क्या कह के बुलाऊं। मिसेस बाउंडरबी मैम, मम्मी मैं हूँ, लुईजा। लुईजा मम्मी। लुईजा मेरी बच्ची, उम्मीद करती हूँ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी ठीक से चल रही होगी। बेटा देखो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, ये तुम्हारे पापा का फैसला था, सोच समझ कर ही किया होगा। मैं यहाँ आपका हाल जानने आई हूँ मम्मी। मेरा हाल जानना चाहती हो? ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं कि कोई मेरा हाल जानना चाहता हो। मैं ठीक नहीं हूँ लुईजा, मुझे बड़ी घबराहट होती है, मेरा सर चकराता है। आपको दर्द है क्या? दर्द है तो सही, इस घर में कहीं मुझे हो रहा है नहीं, मैं नहीं कह सकती। लुईजा, तुमने सिसी को देखा? नहीं, सिसी, सिसी, जेन को इधर लेकर आओ। देखो, जेन बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती जा रही है। बस मुझ जैसी दिखती है मम्मी, इसके चेहरे पर ना एक अलग चमक है। हाँ, मुझे भी हमेशा से यही लगता है। इससे मुझे याद आया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। सिसी, बेटा जेन को अंदर ले जाओगी? जी। आप कुछ कहने वाली थी? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ज्यादातर बाहर रहते हैं, मुझे उन्हें चिट्ठी लिखनी होगी। किस बारे में? बेटा तुम्हें तो पता है, मैंने जब भी कुछ कहना चाहा तो वो बात फिर कभी खत्म ही नहीं हुई, इसलिए मैंने बहुत पहले ही कुछ कहना छोड़ दिया था। मम्मी मैं सुन रही हूँ, आप कहिए। लुईजा, लुईजा तुमने और टॉम ने मिलकर बहुत पढ़ाई की है ना? मुझे नहीं लगता कि कोई ऑलोजी या कोई पढ़ाई तुम लोगों से छूटी होगी, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पापा से छूट गया है, मैं उस चीज का नाम नहीं जानती। मम्मी हमने दुनिया की हर पढ़ाई की है, हमने कुछ नहीं छोड़ा। बेटा वो कोई पढ़ाई नहीं है, मुझे उस चीज का नाम नहीं पता, लेकिन अक्सर जब सिसी मेरे पास होती है ना, तब मुझे उस चीज का एहसास होता है। मैं अब तक नहीं समझ पाई वो चीज क्या है, पर मैं बेचैन हो जाती हूँ बेटा। मुझे तुम्हारे पापा को इस बारे में चिट्ठी में लिख देना चाहिए। क्या तुम मुझे एक पेन दे सकती हो ताकि मैं उन्हें चिट्ठी लिख सकूं? ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं लाती हूं। तुम्हें पता है मुझे चिट्ठी लिख देनी चाहिए। मम्मी बैठ जाइए, मैं चिट्ठी लिखूंगी तो ज्यादा बेहतर बता पाऊंगी। जेन मम्मी को संभालो। एक पेन दे सकती हूं, बस एक पेन दे दो, एक मिनट में चिट्ठी लिख दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे क्या है रीजन, खाता है क्यों, बैठा है सन्नाटा, क्यों है इतना खालीपन, सुनी सुनी क्यों है इतनी सबकी जिंदगी, किस चीज की है कमी, इस घर में किस चीज
मिसेस ग्रैंड बहुत पहले ही समझ गई थी कि वो कौन सी शिक्षा है जो उसके बच्चों को नहीं मिली, वो कौन सी परवरिश है जो उसको ना घर में मिली ना स्कूल में मिली। लेकिन बेचारी अपनी इस बात को शब्दों में बयान नहीं कर पाई और इस दुनिया से चली गई। चलिए अब वापिस चलते हैं वहीं जहां मिसेस स्पार्सिट बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, अपने ख्याली पुलाव पका रही हैं कि कैसे लुइसा बर्बादी की खाई में गिरे। आ जाओ लुइसा, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें बस ये सारी सीढ़ियां पार करके नीचे गिरना है जहां बदनामी का अंधकार तुम्हारे लिए बाहें फैलाए बैठा है। नीचे आओ लुइसा, और नीचे नीचे, बस कुछ कदम और लुइसा, आओ आती जाओ। अरे रुको, नहीं लुइसा, नहीं, वापस मत जाओ लुइसा, नहीं, मैं कब से तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रही हूँ लुइसा, तुम वापस नहीं जा सकती। नीचे आओ लुइसा, आओ लुइसा, बस कुछ कदम और लुइसा। क्या हुआ? सीढ़ी, बस आखिरी सीढ़ी रह गई थी। सीढ़ी? आप दिनदहाड़े सपने देख रही हैं क्या? बैंक में चोरी होने से इनको जो सदमा लगा था ना, उससे इनका दिमाग फिर गया। मिसेस पास से छोड़ो। ओह, तो मिस्टर बाउंडरबी भी घर पे नहीं है? अब तो लुइसा मैडम जरूर गिरेंगी इस खड्डे में। लेकिन इस वक्त वो है कहाँ? टॉम से पूछती हूँ। मिस्टर टॉम। जी मैडम। जी, मैं ये जानना चाहती थी कि बैंक के चोरों का कुछ पता चला? जी नहीं। और वो बूढ़ी औरत फिर दोबारा कभी दिखाई दी? नहीं जी, अभी तक तो नहीं। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? पुलिस उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेगी। उम्मीद तो है। अच्छा, आपके वो दोस्त मिस्टर हार्टहाउस कहाँ है आजकल? वो मैम शिकार पे गए, कल तक आ जाएंगे। हाँ, तो शिकार का भी शौक रखते हैं, जरूर बढ़िया निशाना लगाते होंगे। हम, मुझे क्या मालूम। जी ये भी ठीक है, बेवकूफ। आप, अच्छा आपकी बहन कहाँ है? मुझे क्या पता, भैया के जंगल में सैर करने। सबसे बड़ा बेवकूफ है ये। मिस्टर टॉम, आप कहीं जा रहे थे और मैंने आपको रोक दिया। जी मैडम। आपको देर हो रही होगी ना, मैं चलता हूँ। जी गुड बाय, थैंक यू। तो लुइसा मैडम वॉक करने गई है जंगल में, और हार्ट हाउस कहीं शिकार करने गया। कहाँ? कहीं उसी जंगल में तो नहीं जहां लुइसा वॉक करने गई है? जाकर देखती हूँ। तो मेरा शक ठीक निकला, टॉम को दूर रखने के लिए हार्ट हाउस ने उसे झूठ बोला होगा। और मैं क्या करता? अब जरा नजदीक जाकर सुनती हूँ ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। जब मुझे पता चला कि तुम घर में अकेली हो तो मुझसे रहा नहीं गया। आपको पता नहीं है मैडम आपके ऊपर किसकी नजर है। अब प्लीज चले जाइए यहाँ से। अब हम अकेले में बात भी नहीं कर सकते। यहाँ नहीं तो फिर कहाँ लुइसा? यहाँ नहीं लुइसा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। दिन रात सुबह शाम बस मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, तुम्हारी खूबसूरत मुस्कान देखना चाहता हूँ, और तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। सब मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा, प्लीज चले जाइए यहाँ से। ये आवाज कैसी? बारिश होने वाली है, आप जाइए यहाँ से। आप तो कितनी पत्थर दिल हो, दुनिया की सारी लड़कियों को छोड़कर मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू लुइसा, और तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? नहीं लुइसा, मैं नहीं जाऊंगा, और ना तुम्हें जाने दे सकता हूँ। यहाँ नहीं तो फिर कहाँ मिलोगे, ये तो बताओ। ठीक है लुइसा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्यों रुकाना लुइसा? बिजली को भी अभी चमकना था, मैं सुन ही नहीं पाई ये दोनों कहाँ मिलने वाले हैं। कोई बात नहीं लुइसा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और पता लगा ही लूंगी कि तुम कहाँ मिलने वाली हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज ही का वो दिन है जब तुम उस गड्ढे में गिरोगी। देखना लुइसा, मिस्टर बाउंडरबी को सब कुछ बता दूंगी। लुइसा तुम नहीं बचोगी।
ग्रैडगाइड, आज इस सम्मानित महिला के मुंह से जो बोल फूटेंगे उसे सुनकर तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। मतलब आपको मेरी चिट्ठी नहीं मिली? अरे चिट्ठी छोड़िए जनाब, इनसे पूछिए कि आपकी लाडली बेटी क्या गुल खिला रही है। मिसेस पासेट, सामने आइए और बताइए इन्हें। मिसेस पासेट, ये चुप रहने का समय नहीं है, बोलिए। अरे मिसेस पासेट, बोलिए बोलिए। सॉरी सर। अब बैठ जाइए। ग्रैडगाइड, ये सम्मानित महिला बारिश आंधी तूफान झेल कर रात भर सफर कर भूखी प्यासी मेरे पास लंदन पहुंची मुझे ये बताने के लिए कि तुम्हारी बेटी लंदन से आए तुम्हारे दोस्त के साथ इश्क फरमा रही है। ये सब दोहराने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। अच्छा, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम्हारी बेटी उसके साथ भाग कर गई कहां? मेरी बेटी कहीं पे नहीं भागी है, वो मेरे घर पर है। क्या? कल रात भाई, कल रात आपके घर से निकलने के बाद वो सीधा मेरे पास आई। पापा, लुईसा, मुझे आपसे बात करनी है। पापा, क्या हुआ बेटा? तुम इस वक्त तुम पीक कर आई हो? आपने बचपन से मेरी ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान दिया है ना? हाँ बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। और मेरी बदकिस्मती। बदकिस्मती? काश आपने मुझ पर थोड़ा कम ध्यान दिया होता। पापा, मैं ना हमेशा से सोचती थी कि हम इस दुनिया में पढ़ाई लिखाई कर कर पैसा कमा कर खा पी कर मर जाने के लिए नहीं आए हैं। कुछ और तो मकसद है इस जिंदगी का। मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ इच्छाएं थी पापा। मैं भी कुछ अच्छा करना चाहती थी अपनी जिंदगी में, और कुछ ना कर पाने की वजह से मैंने अपना सारा ध्यान टॉम पर लगा दिया। मेरी वजह से तो वे बिगड़ गया है। उसको माफ कर देना पापा, प्लीज उसको माफ कर देना। बेटा तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा आपको याद है, इसी कमरे में फैक्ट्स और लॉजिक देकर आपने मुझे मिस्टर बाउंडरबी से शादी करने के लिए कन्विंस कर लिया था। हाँ। आंकड़े देकर आपने कहा था कि शादी में उम्र का फर्क कोई फर्क नहीं होता, पर पापा शादी के बाद मुझे पता चला कि उम्र का फर्क एक इंसान की जिंदगी को नरक बना सकता है। आज ना मैं आपको बताने आई हूँ कि मेरे अंदर भी एक हिस्सा है जहाँ कोई फैक्ट कोई लॉजिक कुछ असर नहीं करते। मैं बचपन से उस हिस्से से लड़ती आई हूँ। शादी के बाद के लिए भी मेरा दिल हाँ नहीं कर रहा था, पर मैंने इसे चुप करा दिया। मैंने सोचा जिंदगी छोटी है, किसी तरह कट जाएगी। बेटा तुम तो अभी भी बहुत छोटी हो। मैं उस आदमी से पहले भी प्यार नहीं करती थी, मगर अब मुझे उससे नफरत है पापा। बेटा मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी दुखी हो। आपने कहा था ना कि प्यार व्यार जैसी काल्पनिक बातें जाहिल और बेवकूफ लोग करते हैं, पर जैसे ही हल्के फुल्के ढंग से बात करने वाला, मेरी हर बात बिना कहे समझ जाने वाला हार्ट हाउस मेरी जिंदगी में आया, तो मुझे इससे प्यार हो गया पापा। वो मेरी परवाह कर। घबराइए मत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन इस वक्त भी वो मेरा इंतजार कर रहे पापा, मैं उससे मिलने जाना चाहती हूँ। अगर आपके पास कोई फैक्ट कोई लॉजिक कोई एडुकेशन है जो मुझे रोक सकती है तो मुझे रोक लीजिए पापा, मुझे रोक लीजिए पापा, मैं सच में उससे मिलने जाना चाहती हूँ। बेटा सुनो, पकड़िए मत मुझे। मैं मर जाऊंगी पापा। लुईसा, पापा पापा मुझे बचा लीजिए। सिसी से बहुत बुखार है। मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं अभी भी। पता है वो मेरी परवाह करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने कहा वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे सच में मिलने जाना चाहती हूँ। तो मैडम, आधी रात में जो आप एक्सप्रेस ट्रेन की तरह लंदन भागी आई ये मनगढ़ंत कहानी सुनाने के लिए, आपको नहीं लगता आपको हम लोगों से माफी मांगनी चाहिए? सर मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैंने जो कुछ भी किया आपके लिए किया, और इस वक्त मैं रोने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। एक काम कीजिए, आप घर जाइए और जाकर अपना कुछ इलाज करवाइए, जाइए। देखो ग्रैडगाइड, अगर ये सारा मामला छोड़ भी दिया जाए ना तो अभी तुम्हारी बेटी एक अच्छी बीवी नहीं। बाउंडर भी, मुझे लगता है कि हम लोग लुईसा को समझ नहीं पाए। हमसे मतलब? मैं लुईसा को समझ नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैंने उसे सही एडुकेशन नहीं दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं बता दूं सही एडुकेशन। मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी, मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस काम में मेरी मदद करेंगे। कुछ घंटों में मैं लुईसा को जितना समझ पाया हूं उतना मैं इतने सालों से नहीं समझा था। बाउंडर भी, लुईसा में कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया है और इसलिए उसकी आज ये हालत हो गई है। यहाँ कुछ दिन रहेगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो तुम उसे कुछ दिन यहाँ रखना चाहते हो? हाँ, यहाँ रहेगी तो सिसी उसकी, मेरा मतलब सिसिलिया जूप, उसकी देखभाल करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं उसके लायक नहीं? और भी, मैं बस
इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हम में से कोई उसके लायक नहीं। ठीक है, तुम्हें चाहे जो खुद भी लगे, लेकिन मैं बता दूं कि वो मेरे लायक नहीं। अरे वरना बड़े बड़े घरानों की सम्मानित महिला वो जमीन चूमने को तैयार है जिस पर मैं चलता हूँ। मेरी बात तो बहुत सुन लिया, मेरी बात सुनो। कल दोपहर 12 बजे तक अगर तुम्हारी बेटी मेरे घर नहीं पहुंची तो मैं समझ लूंगा कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती और उसका सामान उठा के तुम्हारे यहाँ पे फेंक दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने सुख दुख में साथ रहने की कसम खाई है। अच्छा, आई एम जोसिया बाउंडरबी ऑफ कोकटा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं जो कुछ भी करता हूँ ना एकदम करता हूँ। गुड बाय। ऐसा लग रहा है ना जैसे कहानी खत्म होने वाली है, और ठीक भी लग रहा है शायद। बस थोड़े से सवालों के जवाब मिल जाए जो उलझ गए हैं इस कहानी के अंदर तो कहानी खत्म ही हो जाएगी। जैसे क्या मिस्टर बाउंडरबी ने सचमुच लुइजा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया? और वो बैंक में चोरी किसने की? क्या स्टीफन ने या किसी और ने? और क्या वो पकड़ा गया? और क्या उसे सजा मिली या नहीं मिली? और वो शातिर हार्ट हाउस का क्या हुआ? और लुइजा का क्या हुआ? और उससे भी ज्यादा जरूरी, उसकी छोटी बहन जेन, क्या उसकी जिंदगी भी टॉम और लुइजा की तरह बर्बाद हो गई? और उसके दो छोटे भाइयों की भी, या क्या हुआ? चलिए ढूंढते हैं सारे सवालों के जवाब और शुरू करते हैं नॉवल का पार्ट 3, यानी कि गार्डनरिंग, समेटना, इकट्ठा करना। जब से तुम आई हो ना वो मुझे जगाने भी नहीं आती। सुबह उठकर मैंने उसे ढूंढा तो वो यहाँ बैठी तुम्हारे सिर पर पट्टियाँ रख रही थी। मैं तो यहाँ इसलिए आई क्योंकि पापा ने कहा था मैं तुमसे मिल लूँ। तुम्हारे चेहरे पर कितनी चमक है जेन। सच्ची? ये भी सिसी की वजह से ही होगा, तुम मुझे इतना हंसाती है, इतनी कहानियाँ सुनाती है। मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है। ये फूल तुमने लगाए थे कमरे में? नहीं, सिसी ने लगाए होंगे, वही करती रहती है ये सब काम। बाहर आ जाओ जरा। माफ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान कर दिया। छिप क्यों रही हो तुम? मुझे डर लग रहा था कि आप बुरा मान जाएंगी क्योंकि मैं बहुत घमंडी बददिमाग हूँ, इसीलिए ना। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। एक तुम ही थी जिसने मुझे समझाने की कोशिश की पर मैंने तुम्हें धुतकार दिया। आज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सिसी मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे इस भारी सर को शांति दो। सिसी प्लीज। चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सिसी? देखिए अब आपको मिस्टर बाउंडरबी के घर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आपका सामान वापस भिजवा दिया है। और मिस्टर हार्ट हाउस भी अब आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उनको अच्छे से समझा दिया है कि उनकी भलाई इसी में है कि वो ये शहर छोड़कर चले जाएं। शायद वो लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। मैंने ठीक किया ना? यही ठीक था सिसी। शायद लुइजा, I'm sorry बेटा। पापा प्लीज। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा सिस्टम एक नया से भड़बड़ा कर टूट जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि दिमाग की समझ के अलावा दिल की भी अपनी एक समझ होती है, उसका भी अपना ही एक लॉजिक होता है, लेकिन दिलो दिमाग की इस अहमियत को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पापा, मैं जानती हूँ आपने जो किया मेरे भले के लिए किया, मैंने आपको कभी कसूरवार नहीं ठहराया पापा। मिस्टर बाउंडरबी भी तुमसे मिलना चाहते हैं और साथ में टॉम भी है और रेचल नाम की एक औरत भी है। रेचल क्यों आई होगी? तुम उनसे मिलोगी? हाँ। मिसेस बाउंडरबी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता लेकिन ये औरत कुछ ऐसी बात कह रही थी जिसकी वजह से मुझे बेवक्त आना पड़ा। मैडम, आप इन्हें बताएं कि आप उनसे पहले भी मिल चुकी है। बताइए ना मैडम। हाँ पापा, मैं इनसे एक बार मिली हूँ। और ये भी बताएं कि वहाँ कौन 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 लोग थे। पापा, ये उस दिन की बात है जब स्टीफन को नौकरी से निकाल दिया गया था। मैं उसके पीछे गई, टॉम भी मेरे साथ था और वही मैं रेचल और स्टीफन से मिली। और वहाँ एक बुढ़ी औरत भी थी। टॉम, ये बात तुम भी मुझे बता सकते थे? मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इन लोगों से मिलने की कोई खास वजह? मैं स्टीफन की मदद करना चाहती थी, मैं उसे पैसे देने गई थी। थैंक यू वेरी मच, सुनकर बहुत खुशी हुई। और जब मैडम ने स्टीफन को पैसे दिए तो उसने लेने से इनकार कर दिया, याद है मैडम आपको? और आज इसी बेचारे गरीब पर बैंक में चोरी का इल्जाम है। पूरे शहर में उसके नाम के पोस्टर लगे हैं,
जबकि उसके जैसा सच्चा और ईमानदार इंसान कहीं हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत अफसोस है रेचल। चलो मान लिया कि वो निर्दोष है, लेकिन तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। उसे कहो कि मेरे सामने आए और अपने आप को निर्दोष साबित करे। जी मैं भी यही चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसे चिट्ठी लिखी है। वो दो दिन में आ जाएगा। ठीक है, जब वो आएगा तब बात करेंगे। गुड बाय। गुड बाय पापा। मैं भी चलती हूँ मैडम, बहुत मेहरबानी है आपकी। सुनिए, आप कहाँ रहती हैं? क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? लेकिन क्यों? तुम्हें क्या लगता है ये चोरी किसने की है? मैं नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ कि स्टीफन को फंसाया गया है। किसने फंसाया उसे? कुछ कहा नहीं जा सकता पापा। स्टीफन के नाम का पोस्टर है? अरे थूको। पूरे 10 दिन हो चुके हैं, वो गया तो कहाँ गया? हो सकता है रास्ते में कहीं बीमार हो गया हो। तुम ना होती तो मेरा दिमाग खराब हो गया होता। सिसी देखिए, आज फ्राइडे है, कल भी अगर स्टीफन नहीं आता है ना तो हम संडे को शहर के बाहर घूमने चलते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। क्या कमाल की बात है मैडम, आखिर आज आप मेरी पकड़ में आ ही गए। ना 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 ना, बचकर भागने की कोशिश मत करना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे मैडम, अम्मा को कहाँ ले जा रही हो? कोई हमारे पास नहीं आएगा और कोई से हाथ भी नहीं लगाएगा, ये मेरा शिकार है। मैडम ये जबरदस्ती करना छोड़ दो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। चलो मेरे साथ। पिक्चर जल्दी जाओ, मिस्टर बाउंडरबी को बुला कर लाओ। जाओ, मैं बुला कर लाऊंगा। हाँ, बाउंडरबी को मत बुलाओ। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें मिस्टर बाउंडरबी के हवाले करके ही छोड़ूंगी, इसलिए चीखना चिल्लाना बंद करो। ए, तुम पीछे हटो। रेचल, रेचल तुम इस औरत को जानती हो ना? मैडम अपना चेहरा दिखाओ इसे। ये तो मिसेस पेगलर है, इन्हें क्यों पकड़ा है? अभी पता लग जाएगा। चल। हाँ जी मिसेस पासे, बताइए क्या बात है? ओह मिस्टर बाउंडरबी, किस्मत से मैंने उस औरत को ढूंढ ही निकाला जिसकी आपको तलाश थी। मैंने बड़े ही मुश्किल के इसका एड्रेस का पता लगाया और आज इसे इसके गांव से ढूंढ कर लेकर आई। ये तो आना नहीं चाहती थी, पर मैं जबरदस्ती खींच कर लाई हूँ। देखिए ना, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये रही वो औरत। मिसेस पासिट, क्या ये सब? मैं पूछो क्या चाहती है? सर मुझे समझ में नहीं आता, आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? मेरे घर के मामले में आपको निलंबन में घुसाने की क्या जरूरत है? मेरे बच्चे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने इस औरत को बार बार समझाया कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा, पर ये मानी नहीं। अरे तुम इसके घर आई क्यों? हाँ, छापन लगाती इसके, मुंह तोड़ देती इसका। मेरे बच्चे, इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने जरा भी चू चपड़ की तो ये पुलिस को बुला लेगी। मेरा कोई कसूर नहीं है। कितना अच्छा कोट पहना तूने। मैं पहले भी शहर आया करती थी, लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं बताया कि तू मेरा बेटा है। हैरानी की बात है मैडम कि आप इस उम्र में मिस्टर बाउंडरबी को अपना बेटा कहकर बुला रही है, जबकि आप इनके साथ इतना बुरा सलूक किया। बुरा सलूक? वो भी मेरे प्यारे बेटे के साथ? अच्छा, आज आपको ये प्यारे लगने लगा है क्योंकि ये इतने अमीर बन गए हैं, जबकि आप इनको छोड़कर भाग गई थी इनके निर्दय नानी के पास। अरे शर्म करो, मेरी बेचारी माँ को बुरा भला कह रहे हो? वो तो जोजिया के पैदा होने से पहले मर गई थी। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। मतलब आप इस बात से इनकार कर रही है कि आप मिस्टर बाउंडरबी को अपने गटर में फेंक कर चला गया था? गटर में फेंक दूं? वो भी अपने प्यारे बेटे को? हम लोग गरीब जरूर थे, लेकिन अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। यकीन नहीं आता तो पूछ ले मेरे बेटे से। हम लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो हम इधर उधर से चोरी करके अपने बेटे के लिए चीजें लाया करते थे। और आप कहना चाहते हैं कि मैं एक बुरी औरत हूँ? शर्म आनी चाहिए आपको। चोर। अरे पता चुनी वट पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे हाँ यार, हट भाई, क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? चले निकल यहाँ से, हट। आ रहा हूँ भाई साहब। हो गया। देखो मुझे अपने बारे में कोई सफाई नहीं देनी, खास तौर पे मिस्टर ग्रैडग्राइंड को। बस तुम चलो। आप चलिए। और मिसेस पासेट, आप में तो ऐसे ऐसे गुण है, ऐसे ऐसे गुण है जिनकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं। ये चेक लीजिए और अपना चैलेंज किसी हाईफाई सोसाइटी में दिखाइए, मेरी जिंदगी से दफा हो जाइए। थैंक यू सर। सर वैसे अब मेरी यहाँ पे रहने की कोई इच्छा भी नहीं है, पर जाते जाते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी पीठ पीछे मैं आपको क्या बुलाती थी। कद्दू। हाँ।
कौन है? सॉरी स्टीफन ब्लैकपूल है, मैं और रेचला शहर के बाहर घूमने गए थे, वहाँ एक खाई के पास इसकी टोपी पड़ी मिली, हमें शक हुआ कि ये खाई में गिरा हुआ है, हमने गांव वालों से मदद मांगी, बहुत मुश्किल से इसको बाहर निकाला है, ये होश में नहीं है सर। ओ गॉड, जाओ जाओ जल्दी जाओ पानी लेके आओ, और सुनो तुम लोग जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ, फौरन बाउंडर भी को इन्फॉर्म करो, जाओ जल्दी जाओ। स्टीफन, स्टीफन सर इसको होश आ रहा है। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? पहले हो रहा था, अब ठीक है। रेचल मेरा हाथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी स्टीफन। तुम खाई में कैसे गिरे? पता ही नहीं चला वहाँ खाई है, आदत सी हो गई है गिरने की। पहले गरीबी की खाई में गिरा, फिर गलत शादी के गड्ढे में, फिर अपने साथी कारीगरों और मालिकों की नजरों में गिरा, और चोरी की शक की खाई में। लेकिन मैं जब भी गिरा, आसमान में चमकता हुआ एक तारा मुझ में जिंदगी की उम्मीद जगाता रहा। जानती हो वो तारा तुम हो रेचल। स्टीफन, मैडम मुझे अपने पापा के पास ले चलिए, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ स्टीफन। साहब मेरे माथे पर जो चोरी का कलंक लगा है वो मिटा दीजिए साहब, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कहाँ लो, हाँ कहाँ लो, दिखा मुझे कहाँ। ओ स्टीफन, स्टीफन उठो, तुमने चोरी की। बाउंडर भी, बाउंडर भी वो कुछ कह रहा था, उसे कहने दीजिए। ठीक है बोलो, हटिए देखने दीजिए। साहब आप अपने बेटे से पूछिए, उन्हें जरूर कुछ पता है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा ख्याल है वो जरूर कुछ जानता है। मैं उससे एक ही बार मिला हूँ, पता नहीं मैं कैसे इस चक्कर में फंस गया। साहब मुझे इस चक्कर से निकालिए साहब, मेरी मदद कीजिए साहब। देखिए देखिए सर, जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ हाँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। अरे अरे आप लोग जल्दी करिए, मेरा साथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी स्टीफन। साहब देख कर देख कर देख कर देख कर ध्यान से ध्यान से जल्दी करो, ध्यान से जल्दी करो। अरे ये टॉम का चला गया, अभी तो यही था मेरे साथ। देखो मैं नहीं जानता कि स्टीफन टॉम का नाम क्यों ले रहा था, लेकिन अगर तुम्हारे बेटे का इस चोर में इतना सा भी हाथ हुआ ना, तो मैं बता रहा हूँ मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। टॉम आए तो उसे बोलना मुझसे मिले। मुझे नहीं लगता वो आएगा। What? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इस चोरी में उसका हाथ है? आपको अभी भी इसमें शक है पापा? Oh my God! लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? शायद उसको पैसों की जरूरत थी। उसे इस परिवार का, मेरा यार किसी का कोई ख्याल नहीं आया, और तुम्हारी बेचारे गरीब को फंसा दिया। सारा कुछ मेरा है, बच्चों की परवरिश में बहुत बड़ी चूक कर दी मैंने। कोई बात नहीं पापा, आपके तीन बच्चे और हैं, शायद वो हम दोनों से बेहतर साबित हो। परेशान हो जाऊंगा मैं, और परेशान ना हो तो क्या करूं, सारा कसूर मेरा है। जल्दी सबको पता चल जाएगा कि चोरी टॉम ने की है, और उसे जेल में डाल देगी, जिस असली मुजरिम मैं हूं। सर पुलिस टॉम को नहीं पकड़ पाएगी। क्या मतलब? सर मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, टॉम के पास ना जाने की कोई जगह थी ना ही पैसे थे, तो मैंने उसको मिस्टर स्लेरी के सर्कस में भेज दिया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, मैं उससे मिलना चाहता हूँ एक बार। जी सर, दो घंटे में पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, तो किसी के पता चलने से पहले हम उसे विदेश भेज देते हैं। हाँ। लेकिन रुकिए, हमें अलग अलग जाना चाहिए, नहीं तो फिर किसी को हमारे पर शक हो जाएगा। हाँ, हाँ। ठीक है चलो। Thank you.
पता कि आपके बेटे ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि आपको उसे यहाँ छुपाना पड़ा। हम तो बस इतना जानते हैं था आपकी मुसीबत की घड़ी में आपने हमारी बच्ची का साथ दिया, हम आपका साथ दे रहे था बस। थैंक यू सो मच। पर टॉम कहाँ है? हमारी जरूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा। अरे दादियो, इस बार के थोक का कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ। शर्म नहीं है ये काम करते हुए, इस सख्त मिट्टी में मिला दिया। ऐसा क्या हो गया पापा? आए दिन हजारों लोग बेईमानी करते हैं, थोड़ी मैंने भी करती तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो। टॉम, सिसी, जरा मिस्टर स्लेरी को बुलाना। टॉम, तुम्हें ना यहाँ से लिवरपूल जाना होगा, वहां से तुम्हें विदेश भेजने का इंतजाम कर दिया है। इस चिट्ठी में सब कुछ लिखा है तुम्हें किससे और कहाँ मिलना है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी टॉम। कम से कम यहाँ से तो कम ही दुख झेलने पड़ेंगे वहाँ। आप घोड़ा गाड़ी का इंतजाम हो गया है, लेकिन इस हालत में जाएगा? अरे था उस बात की टेंशन आप मत लीजिए, इतना हुलिया हम रास्ते में बदल देंगे। जल्दी कीजिए था वरना देर हो जाएगी। अब जल्दी कीजिए गाड़ी था वरना गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी कीजिए। अरे गाड़ी तो छूट गई समझो, मैं जो आ गया हूँ। तुम? जी हाँ मैं, मुझे मालूम था आप लोग इसे भगाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं आप सबका पीछा करता हूँ यहाँ आया हूँ। और मैंने सारी बात सुन ली है। टॉम तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये तुम्हारे दो कौड़ी के जोकर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकते। प्लीज मेरे भाई के साथ ऐसे मत करो प्लीज। इसे जाने दो, इसके बदले मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं हो सकता, जेल तो यही जाएगा। नहीं नहीं पिक्चर। सर तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे है ना सर, तभी तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। मेरा मतलब कोई चीज उसको छूती भी है? सर आप ही कहा करते थे इमोशन और कंपैशन सब बेकार की चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी है लॉजिक और रीजन, तो मैं उसको ही फॉलो करता आ रहा हूँ। बाप का दिल तोड़कर एक बहन का रुलाकर इस नादान आवारा को ले जाने के पीछे कौन सा रीजन हो सकता है तुम्हारे पास? अरे रीजन है सर, मैं इसको मिस्टर बाउंडरबी के हवाले कर दूंगा, वो खुश हो जाएंगे और इसकी नौकरी मुझे दे देंगे। सोचिए कितना फायदा होगा मुझे। सर तुम सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हो। तो इसमें गलत क्या है सर, मुझे बचपन से यही सिखाया गया है। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बोलो कितना पैसा चाहिए, इसे जाने दो। मुझे मालूम था सर आप जैसा प्रैक्टिकल आदमी बात जरूर करेगा। एक चोर को पकड़वा कर जो नाम इज्जत शोहरत मुझे मिलेगी, उसके सामने आपकी सारी दौलत भी मेरी नजर में कुछ नहीं है। सर कुछ तो रहम करो मुझ पर, मत भूलो कि तुम मेरे स्कूल में पढ़े हो। क्यों, उसके बदले मैंने फीस दी है आपको? एक मिनट साहब, देखिए मैं अभी तक आपकी मदद कर रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था आपके बेटे ने चोरी की है। अब मैं आपका और साथ नहीं दूंगा, अब मैं इस लड़के का साथ दूंगा। देखो बेटा मैं तुम्हें घोड़ा गाड़ी से रेलवे स्टेशन पहुंचा दूंगा ताकि तुम टॉम को पुलिस के हवाले कर सको। ठीक है कैसे करूं? Sir, मैं कुछ करना चाहता हूं। आपको पता है ये कमाल सिर्फ सर्कस वाले कर सकते हैं। फिर भी आप कुछ करना चाहते हो तो आप इतना कीजिए कि इन दोनों को 10 पाउंड दे दीजिए और हमारे घोड़ों के लिए अच्छी सी घंटी दे दीजिए और हमारे तूफान के लिए एक अच्छा सा पट्टा दे दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए था? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, मैं कुछ ज्यादा करना चाहता हूँ। अब आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आप इतना कीजिए कि
हम जैसे घुमक्कड़ कलाकारों से नफरत करना छोड़ दीजिए था, क्योंकि था इंसान दुनिया में थिप पढ़ लिख कर पैसा कमा कर पेट भरने के लिए नहीं आया है, उसे बीच बीच में मनोरंजन की जरूरत भी होती है। इसलिए था दुनिया को हम जैसे लोगों की भी जरूरत है। तो जब भी आप हम जैसे कलाकारों से मिले तो उनको सलाम कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए था, क्योंकि हम भी आखिर इंसान ही है। अमीर हो गरीब चाहे है आखिर इंसान, हम है आखिर इंसान। बैल नहीं हम बोलूंगे, आंख मूंद कर करें काम जो रात दिन सुबह शाम, रात दिन सुबह शाम। इसीलिए हम करें जतन, टेंशन थोड़ी तो हो कम, कुछ तो मौज मस्ती हो या कुछ ऐसा खेल तमाशा। बहुत पुरानी बदले जो नई सोच में करें इजाफा, नई सोच में करें इजाफा। कल्पना के घोड़े पर बैठे मिलकर साथ सब, कल्पना के घोड़े पर बैठे मिलकर साथ सब, दुनिया भर की सैर करे, दुनिया भर की सैर करे, और दूसरों की गलतियों से ले सबक, दूसरों की गलतियों से ले सबक, और पेचीदा सवालों के जवाब ढूंढे हंसते हंसते, पेचीदा सवालों के जवाब ढूंढे हंसते हंसते, ताकि सबकी जिंदगी में, ताकि सबकी जिंदगी में कुछ तो, कुछ तो, कुछ तो बड़े फर्क, कुछ तो बड़े फर्क, कुछ तो बड़े फर्क। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आई होप यू ऑल एंजॉयड द प्ले। डिकिन्स साहब ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, उनके जवाब भी ढूंढने की कोशिश की। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ नए सवाल आ रहे हैं या कुछ नए जवाब आपके पास सूझ रहे हैं, प्लीज़ यू कैन शेयर इट विद अस। यू हैव अ फ्लायर इन विच हमारा फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, एंड थैंक यू सो मच। सच अ स्मॉल ऑडियंस बट व्हाट अ वंडरफुल ऑडियंस, क्लैप फॉर एवरीवन। किरण the director of the play, and Kashish on music, the music composer, and Esra, our music teacher and also playing the flute, and Harish on light, and because kyunki ye hamara is chunk ka last show hai, agar aap logon ki ijazat ho to main sab logon ke bare mein ek line batana chahunga. Thank you so much. ईशा, अभिषेक, चित्रा, सेफ, यू, आरती, प्रकाश, कुनाल, सुदीप, साजिद, आकाश, लक्ष्य, दीपक, संतोष, पुलकित, काजोरी, शुभम, ज्योत्सना, yeah.